अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चीत दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहे ऐ मोमिनो, ए चौथे प्रहर की विरत, अब कहूँ पहर पाँचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। पाँचवा प्रहर, अब कहूँ प्रहर पाँचवा, अचराती धाम धनी श्री लालदास जी के धाम निर्देश से पाँचवें प्रहर की लीला का वर्णन कर रहे हैं। आपने कल सुना था चार प्रहरों की लीला का वर्णन। नीतिकारों का कथन है कि मनुष्य की रात्रि जैसी होती है सारा जीवन वैसा होता है। यदि हमारी रात्रि भोग रात्रि होती है तो हमारा जीवन भोगमय हो जाता है, और यदि रात्रि योगमय होती है तो हमारा जीवन योगमय हो जाता है। चार प्रहर बीत जाते हैं संध्या के समय 6 बजे तक, और रात्रि के 4 प्रहर बजते हैं शाम के 6 बजे से प्रातःकाल के 6 बजे तक। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये 4 प्रहर हैं। इन 4 प्रहरों में कैसी लीला होती है परमधाम के सुंदर साथ अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को रिझाने के लिए क्या क्या करते हैं, और राज्य अपने सुंदर साथ को रिझाने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों में हो रहे। श्री जी के पंचभौतिक तन की अवस्था भी लगभग 70 के आसपास है। सवेरे भी 3 घंटे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन शाम को भी चर्चा करेंगे। 12 से 3 बजे तक भी जगे रहते हैं, सुंदर साथ उनको गाते रहते हैं या सुनी हुई चर्चा की अर्चा करते रहते हैं। उसके पश्चात परमधाम की वृत्त दोहराई जाती है। कैसा है परमधाम? न सुंदर साथ को नींद है, न श्री जी की आंखों में नींद है। जब मासुक नहीं सोए तो आशिक कैसे सो सकता है? यह प्रेम की लीला है जिसमें इस संसार में बैठे बैठे सुंदर साथ ने परमधाम का आनंद लिया। अब आप सुनिए पांचवें प्रहर में क्या पन्ना जी में लीला होती है। हुआ समय बैठन का, अब उस समय पांचवें पहर में बैठने की लीला होती है। ऊपर इन तखत, श्री जी तखत पर बैठ जाते हैं, अब ये लीला प्रारंभ होती है। लक्ष अर्ज करते हैं, और लक्ष भाई क्या अर्जी करती है? राज पधारो कौन घाट, धाम धनी बताइए आज कौन से घाट पधारेंगे। श्री राज उत्तर देते हैं, श्री जी क्या उत्तर देते हैं? आज पधारे पाट, आज पाट घाट पधारेंगे। अब ये पांचवें पहर में श्री जी की आरती उतारी जाएगी। जो प्रातःकाल की आरती है वो मूल स्वरूप को लक्ष्य लेकर के सेवा पूजा की जाती है। सुख को निदान, जय जय सुख को निदान, मंगल आरती सुख को निदान। जो संध्या आरती है, इस संसार में प्राणनाथ जी को अक्षरातीत का स्वरूप मानकर सुंदर साथ ने रिछाया था, उसी भाव से संध्या आरती की जाती है। और आप देखेंगे कि सुंदर साथ आरती में कैसे कैसे भाग लेते हैं। इत जोड़े तखत के, श्री जी के तखत के बगल में गादी बिछोने होए, गादी बिछाई जाती है। चारे गमाते तान के, और तखत के चारों किनारों को तान करके जो बिछौना होता है। बिहारी दास धरे सोए, ये सेवा है बिहारी दास जी की। सुखपाल में बैठ के, और बाईजीराज जी सुखपाल में बैठकर अरज आरोगन की, भाई जुराज जी सुखपाल में बैठ करके आती हैं, मीठी बातें करते, और आकर के श्री जी से कहती हैं कि धाम धनी अब आप हल्का आहार ले लीजिए,
क्योंकि पांचवा पहर है, 6 बजे हो रहे हैं, यानी रात्रि होने से पहले ही श्री जी हल्का आहार ले लेते हैं, क्योंकि रात्रि को कई घंटे चर्चा करनी होती है। श्री महाराजा बाई जी, महाराजा छत्रसाल जी और बाई जी बैठत अरगावने थाल। अब श्री जी को भोजन कराने के लिए बैठते हैं, हाथ पखालत प्रेम सो, और बहुत प्रेम से श्री जी का हाथ धुलाते हैं। मानक सेवा करे खुशाल, यह सेवा किसकी है? मानक भाई की। आरोगत अत हेत सो, श्री जी बहुत प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं। सो कहाँ लो कहो मैं ए हाँ। लालदास जी कहते हैं कि मैं उसका वर्णन किस प्रकार से करूं। राजभोग सामग्री लवाजमे, और जो श्री जी के आहार की जो भी वस्तु होती है सब लाई जाती है। सब साग तरकारी के, हर तरह की सब्जियां होती हैं। थाल के आगे धरी, और श्री जी के थाल के आगे वो सब रख दी जाती हैं। जिसके मन में जैसा भाव होता है वो बना करके लाता है। बैठे पकड़ महाराज, और उस सारी भोजन सामग्री को महाराजा छत्रसाल जी पकड़ कर रखते हैं। मीठी रसना सो बातें करें, और श्री जी बहुत प्रेम भरे शब्दों के साथ बातें करते रहते हैं। रिझ रिझ के राज, स्वयं सुंदर साथ की सेवा पर धाम धनी रिझ जाते हैं कि ये सुंदर साथ 24 घंटे मेरे धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत को रिझाने के लिए तत्पर है। जब छबीलदास लाइया, जल छबीलदास लाइया, छबीलदास जी जल लाते हैं श्री जी के पीने के लिए। अरुगाने को हक, श्री जी को अरुगाने के लिए। कंचन कटोरे सुंदर, और सोने की सुंदर कटोरियां हैं छोटी छोटी। जल बाय देत माफक, और जलवाय देत माफक, यदि जाड़े का समय है तो गुनगुना जल, और गर्मी का मौसम है तो सादा ठंडा जल दिया जाता है। श्री राज रहे आरोग के, श्री राज जी आरोग करके सैया उठाई थाल। जब श्री जी भोजन कर लेते हैं तो सुंदर साथ थाल उठा लेते हैं। चुल्लू करावे चोपसो, और तब उनको कुल्ला कराया जाता है। शकुंडल दिले खुशाल, ये कुल्ला कराने की सेवा किसकी है? छत्रसाल जी की। देखिए पहले से लेकर पांचवें पहर तक में आपने छत्रसाल जी का नाम सुना है, छठे पहर तक की सेवा में महाराजा छत्रसाल जी का नाम आएगा। 12 बजे रात तक हम लोग तो बहाना कर देते हैं ना, क्या करें, काम का जोर है, सेवा के लिए समय नहीं, चितवनी के लिए समय नहीं, चर्चा के लिए समय नहीं। ये महाराजा छत्रसाल है, राज्य की सारी व्यवस्था भी देखनी है, और सारी सेवा में हर प्रकार की सेवा में भाग लेते हैं। बीड़ी वालत श्री बाई जी, बीड़ी वालत का तात्पर्य है पान अरुगाना, पान को बीड़े लगाना। महाराजा अपनी, और महाराजा छत्रसाल जी और तेजकोरी जी पानों का बीड़ा लगाती हैं। देश सुपारी मानक छबीला, और मानक बहन क्या लाती है? सुपारी लाती है। और सेवत महारानी, और महारानी जी की सेवा है। महाराजा कलंगी बनावत, महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के पाक के लिए कलंगी बनाते हैं। अपने हाथों कर, स्वयं अपने हाथों से कि ये धाम धनी के पाग में लगाई जाएगी। बांधत लटकनी छबकी, और बहुत प्रेम भरी छवि से उसको संवारते हैं। हाथों हाथ धरे सिर पर, और अपने हाथों से महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के पाग में उस कलंगी को लगाते हैं। महाराज के रावर से, छत्रसाल जी के भवन से आवत कलंगी हार, फूलों के हार और कलंगियां आती हैं। चित माफक अपने शोभित, और जैसा उनके चित में अच्छा लगे दे महाराज अपने रार, महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से उसको देते हैं। कहा कहो इन समय की, इस समय जो शोभा होती है उसका कैसे वर्णन किया जाए। जहाँ राज बिराजे तखत, जब स्वयं अक्षरातीत धाम धनी जिस तखत पर विराजे हैं उस समय की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। आई जी मूर्छल करत हैं, आई जी मूर्छल करत हैं, तेजगुरी जी की जो माता जी हैं उस समय मूर्छल करती हैं। सो कहो न जाए बखत, उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। चितवनी की बारी मिने, अब जब चितवनी का समय होता है, भोग दियो बखत इन, उस समय भोग दिया जाता है।
गावत संझा को अवसर। जब चितौनी का समय होता है तो तुलसी जी जब भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय गाया जाता है हुआ संझा को अवसर। पहर रात लो रोशन, और रात्रि पहर तक यानी ये 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। साड़ी संग सिंदूरिये, अब श्री राज्य के वस्त्रों का आभूषण का वर्णन होता है कि श्यामा जी के साड़ी का रंग क्या है, सिंदूरिया रंग की साड़ी है, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी है, नीली लाई को चरनिया, और उनके पेटीकोट है नीले यानी नीले रंग का, हरे रंग का पेटीकोट है। इसी प्रकार श्री राज जी की पाग क्या है, सिंदूरिया रंग की पाग है, केसरिया रंग की जार है, श्वेत रंग का जामा है, नीलो नो पीलो बीज के रंग का पटका है, आसमानी रंग की पिछौरी यानी चादर है। इस तरह से राज्जी और श्यामा जी के आभूषणों का वर्णन किया जाता है। सुंदर साथ सभी तो जो सेवा में होते हैं वो चर्चा में भाग नहीं ले पाए होते हैं, उनके लिए ये वर्णन विशेष रूप से किया जाता है। ये वस्त्र सब साथ को, ये सुंदर साथ को ये श्रृंगार वर्णन करके सुनाया जाता है। कहते बखत दोए, ये दोनों समय ताकि सुंदर साथ के हृदय में राज्जी श्यामा जी के नख से सिख तक की शोभा बस जाए। अब देखिए जब से ये बंद हुआ है तभी से सुंदर साथ में फरामोशी छा गई है। प्रातः की जो सेवा पूजा की जाती है उसमें भी राज्जी का श्रृंगार वर्णन है। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भवन में विराजमान में ता कंचन उनको सिंहासन तिनके छे पाए। ये क्यों कहा जाता है, पढ़ते तो सब हैं, कर्मकांड के नाम पर आरती के बाद परिक्रमा के बाद ये स्वरूप पढ़ा जाता है, लेकिन केवल कहने मात्र तक रह दिया जाता है। वो कैसा है इसको तो चितवनी के द्वारा देखा जाएगा, और चितवनी करने के लिए आपकी वाणी को मौन होना जरूरी है, शरीर का स्थिर होना जरूरी है, मन का शांत होना जरूरी है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी। उसमें भी यह बात कही जाती है कि निश्चिंत रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माँ। यदि आप भजन नहीं करेंगे तो बार बार इस भवसागर में जन्मना और मरना पड़ेगा। लेकिन भजन क्या है, चितवनी, ये किसी को पता ही नहीं। ये सूरत अर्श अजीम की, यह शोभा किसकी है, परम धाम में विराजमान श्री राज जी की। जाए कहा अक्षरातीत, जिनको अक्षरातीत कहते हैं, कहने वाले धाम धनी, और इसका वर्णन करने वाले कौन है, स्वयं अक्षरातीत ही अपने सुंदर साथ के लिए अपने मुख से परम धाम की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। इस संसार में अक्षरातीत की शोभा का वर्णन भला कौन कर सकता है, ग्रंथों में थोड़ा सा वर्णन मिलेगा। नारद जी वगैरह ने आदि नारायण विष्णु की शोभा का वर्णन किया है। विष्णु भगवान से अधिक सुंदर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, 14 लोकों में कोई सुंदर नहीं है। आप सोचिए निराकार से पैदा होने वाली ये दुनिया आदि नारायण के सौंदर्य पर पागल हो सकती है यदि देखने को एक झलक मिल जाए तो। अक्षर ब्रह्म जिनके मन के सपने के रूप आदि नारायण है उनका रूप कैसा होगा। राज्य के लिए तो कहा जाता है नूर को नूर जो नूर है किनमुख कहूँ रंग सोए, अक्षरातीत का स्वरूप कितना होगा, नूर को नूर जो नूर है, बेहद में जो नूर है उसके एक पत्ते में करोड़ों सूरज ढक जाते हैं। बेहद के नूर का मूल है अक्षर, और अक्षर के नूर का मूल कौन है, अक्षरातीत। उस अक्षरातीत की मुख शोभा का वर्णन इस दुनिया के शब्दों से इस दुनिया की भाषा से कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन वही सुंदर साथ की आत्मा की जागृति के लिए श्री राज जी के नख से सिख तक की शोभा का वर्णन स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी कर रहे हैं। ये तो बात अंकुर की, लेकिन इसको ग्रहण कौन करेगा, केवल परम धाम की ब्रह्मात्मा। होए ना बिना संबंध, और बिना मूल संबंध के कोई भी चितवनी में रुचि नहीं लेता, चर्चा में रुचि नहीं लेता। जो दुनिया को देखेगी, जो इस संसार को देखेगा, ताए का या बड़ा अंध, उसको अंधा कहा जाता है। उस श्री जी के मुखारविंद से जब चर्चा होती है चितवनी कराई जाती है, आते तो लोग काफ़ी हैं लेकिन कोई उसको ग्रहण नहीं करता। केवल ब्रह्मसृष्टियों का यह खजाना है जो वाणी को सुनती है और चितवनी करती है। आया समय आरती का, अब आरती का समय प्रारंभ हो जाता है। साथ आवत चारों तरफ, और चारों ओर से सुंदर साथ एकत्रित होने लगते हैं। इन समय शोभा की, इस समय कैसी शोभा होती है,
कहियो न जाए हरफ। एक शब्द भी उसके विषय में कहा नहीं जा सकता है कि सुंदर साथ में कितने लगन है। आप सोचिए, श्री जी तख्त पर बैठे हों और उनकी आरती होने लगी हो, 5000 की संख्या में सुंदर साथ आ जाए कि हम आरती श्री जी की देखें, उनको अक्षरातीत मानकर सब सुंदर साथ रिझा रहे हैं, तो कितना आनंद आएगा, इसके बारे में सहज ही सोचा जा सकता। आरती हो तो आनंद सो, श्री जी की आरती बहुत प्रेम पूर्वक होती है। करत अति घने प्यार, सुंदर साथ बहुत प्रेम से श्री जी की आरती उतारते हैं। शोभा हो तो संसार में, और इस आरती की शोभा सारे संसार में फैल जाती है। करत सबे मनुहार, और सब सुंदर साथ मनुहार यानी प्रेम पूर्वक धाम धनी की आरती उतारते हैं। दो बाजू चंवर डोलत, श्री जी के दोनों ओर चंवर हिलाए जाते हैं। लाल बाई बहिले, पहले लाल बाई चंवर हिलाती हैं। गोविंद दास करता था, और गोविंद दास जी भी करते हैं। कोई दिन शिवराम के, कुछ और कुछ दिन शिवराम जी भी ये सेवा करते हैं। कभू उत्तम दास आवही, एक एक सेवा के लिए कई कई सुंदर साथ तैयार हैं। सेवा में कोई बाधा नहीं होने दी जाती, क्योंकि संख्या भी बहुत है। हर सुंदर साथ की चाहत है कि हम धाम धनी की सेवा करें, तो जिसको सेवा दी जाती है उस सेवा को बहुत प्रेम पूर्वक निभाते हैं। सेवा की भावना राधा स्वामी मत में भी देखी जाती है। उस मत के अनुयायी भले ही 1 घंटा ध्यान उनको सिखाया जाता है, यहाँ की तरह 10-10 घंटे वहाँ मंच नहीं चलते हैं। 1 घंटा केवल उनको प्रवचन उनके गुरु जी करते हैं, या तो टीवी से सुना दिया जाता है, या गुरु जी होंगे तो 1 घंटा सुना देंगे। इसी में वे निहाल हो जाते हैं और शेष समय केवल सेवा में लगाते हैं। सुंदर साथ में वर्तमान समय में सेवा की कोई भावना नहीं होती है। किसी को सेवा के लिए कहिए तो यही सोचता है कि कोई बहाना मिल जाए और हमें सेवा न करनी पड़े। लेकिन राधा स्वामी मत में किसी को सेवा दी जाती है तो सेवा करना वो अपना सौभाग्य समझता है। यही कारण है कि आज राधा स्वामी मत सारे देश में हर जगह अपनी जड़ें जमा लिया। उनमें तो जो बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग छोटी से छोटी सेवा करते हैं। ये पंजाब में ये परंपरा है, चाहे राधा स्वामी मत हो, चाहे स्वर्ण मंदिर, चाहे गुरुद्वारे हों, करोड़पति लोग भी छोटी से छोटी सेवा करते हैं। लेकिन सेवा की यह भावना उत्तर प्रदेश, बिहार और MP, गुजरात आदि में शारीरिक सेवा की भावना नहीं है। गुजरात में धन से सेवा अवश्य कर देंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में जहाँ राधा स्वामी मत है उसके अनुयायी अवश्य सेवा करेंगे, लेकिन दूसरे मतों के लोग सेवा से हमेशा जी चुराते हैं कि हमको कुछ करना न पड़ जाए। आप देखिए, श्री जी की एक एक सेवा में सुंदर साथ लगे हैं, क्योंकि सबको पहचान है कि ये हमारे धाम धनी हैं और हमें सच्चे हृदय से सेवा करनी चाहिए। यदि हम सेवा करेंगे तो हमारी आत्मा जागृत होगी, क्योंकि ना कुछ से इन सेवा समान जो दिल सलकूल करे पहचान। सेवा करने से हमारे हृदय को आनंद मिलता है और राज्य के स्वरूप की पहचान होती है। सुन धुन इन समय की, और इस समय आरती की धुन सुनकर कांपत कुली दज्जाल। दज्जाल कांपता है। दज्जाल किसको कहते हैं? कलयुग को, अज्ञानता को, शैतान को। मन ही हमारा मोक्ष देने वाला है और मन ही बंधन में करने वाला। यदि हमारे मन में रजोगुण के तमोगुण के संस्कार हो गए तो ये हमारा मन ही दज्जाल का काम करता है, हमको राज्य की तरफ नहीं जाने देता। हिंदू ग्रंथों में जिसको कलयुग कहा गया है, वस्तुतः दर्शन की भाषा में उसको मन कहते हैं जो तमोगुण से ग्रसित होता है, और कुरान की भाषा में इसको इबलीस या शैतान कहते हैं। मुसलमान लोग जब मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, तो वहाँ दज्जाल को, शैतान को मारने की रस्म निभाई जाती है। पत्थर मारते हैं, और पत्थर मारने की भीड़ में भगदड़ जो मचती है तो कितने लोग मर भी जाते हैं। वो सोचते हैं कि दज्जाल कहीं बाहर है, उसको मार देंगे। दज्जाल कहीं बाहर नहीं है, दज्जाल तो अंदर है, मन के रूप में वो बैठा हुआ है। मन की विकृतियाँ ही वो दज्जाल है जो मनुष्य को धनी के चरणों से दूर करती हैं। इस वर्ष जो बकरीद का त्यौहार मनाया गया मक्के मदीने में, लगभग 12 लाख पशुओं को ज़बह किया गया। आप सोचिए, 12 लाख पशुओं को काटा जाए केवल इसलिए अल्लाह की
के नाम पर कुर्बानी देनी है। कुर्बानी तो उसको कहते हैं जिसमें कुछ त्याग किया जाए। इसमें तो त्याग कुछ नहीं हुआ, बेचारे जानवरों को, बकरों को, ऊँटों को, भैंसों को किस तरह से तड़पा करके काटा जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह की कुर्बानी है। इसको तो कुरान स्वीकृति नहीं देता। ठीक है, कुरान की कुछ आयतों में लिखा गया है, लेकिन सच तो ये है कि आयतों के हरूफ तो 60,000 ही होना चाहिए। इसमें 63,000 से ज़्यादा, 73,634 हरूफ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद साहब या अल्लाह ताला कहेंगे कि इसी जानवर की गर्दन काटो मैं खुश होऊंगा। ये धर्म नहीं कहता है। और उन पशुओं का मांस दुनिया के कितने देशों में भेज दिया जाता है कि आप खाओ। धर्म किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं कहता। चाहे हिंदू अपनी काली माता को खुश करने के लिए भैंसों की बलि चढ़ाएं, बकरों की बलि चढ़ाएं, या मुसलमान अपने अल्लाह ताला को कुर्बानी देने के नाम पर पशुओं की जिबह करें, हत्या करें, ये धर्म का लक्षण नहीं है। न यह वेद का आदेश है, न कुरान का आदेश है। अवश्य अपनी कट्टरता के नाम पर कोई विवाद खड़ा कर सकता है कि आप हमारे ऊपर समीक्षा न कीजिए, लेकिन इतिहास किसी को क्षमा नहीं करता। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, यदि अधर्म करेगा तो संसार उसकी समीक्षा करेगा कि ये गलत हो रहा है। ए नेचे मुंह को मारेगा। कलयुग रूपी अज्ञान क्या सोचता है कि श्री जी के ऊपर इतने लोग श्रद्धा रखते हैं, आरती में 5,000 लोग खड़े हैं, सच्चे हृदय से आरती कर रहे हैं, तो निश्चित है कि मेरा बस नहीं चलेगा। यानी आरती किसको कहते हैं? आरती यानी सर्वस्व समर्पण। नख से सिख तक आरती की थाल घुमाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि नख से सिख तक जो हमारा तन है अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो रहा है। यही मेरा है काल। ये मेरे काल स्वरूप है, यानी अक्षरातीत का ज्ञान फैल जाएगा तो मेरा तो कोई बस ही नहीं रहेगा। आरती करे आनंद सो। और अत्यधिक उमंग में भरकर आरती करते हैं। श्री बाईजीत आई। बाईजूराज जी आती हैं और प्रेम पूर्वक श्री जी की आरती उतारती हैं। ए सेवा की जोगबाई। और इस समय जो सेवा होती है, साज रुक्मणी ल्याई, जो भी सामग्री होती है रुक्मणी बाई की यह सेवा है। कंचन थाल चहुमुख दीवाला। संध्या आरती जब गाई जाती है तो क्या कहा जाता है? कंचन थाल चहुमुख दीवाला, यानी सोने की थाल में जो आरती का दीपक सजाया गया है। कंचन थाल चहुमुख दीवाला, दीपक ज्योत प्रकाश, करत आरती जियावर रानी, आनंद अंग उल्लास। सबसे पहले बाईजूराज जी आरती उतारती हैं और दीपक जो है 32 दीपक जल रहे हैं। 5 बड़े का है, यानी राज्य के 5 स्वरूपों के लिए, राज्य, श्यामा जी, सखियाँ, अक्षय, ब्रह्म, महालक्ष्मी, इसके लिए 5 मंजिला का वो दीपक है। आज भी जब आप घूमर जी में जाएंगे तो इस तरह की आरती के दर्शन आपको होंगे। सखियाँ नृत्य करे और गावे। उस समय सुंदर साथ मग्न होकर के नृत्य करते हैं। आनंद अखंड अपार, सबके हृदय में बहुत अधिक आनंद हो रहा होता है। ताल मृदंग झांझ तंत्र बाजे। और उस समय आरती के समय कुछ लोग ताल बजाते हैं, कुछ ताली जो बजाते हैं, कुछ मृदंग बजाते हैं। सखियां बोले जय जयकार, और जो प्रेम पूर्वक जोर जोर से प्राणनाथ प्यारे की जय के जयकारे लगाते हैं। रुक्मणी थाल धरत है, और रुक्मणी बाई थाल रखती हैं। श्रीराज के आगे, धाम धनी के आगे, कर पसार बीड़ा धरे, और उसके पश्चात पानों का बीड़ा रखती हैं। करे मेहर धाम धनी ए, और ये धाम धनी की कृपा है। इन भात नित आनंद, इस तरह से प्रतिदिन वहाँ लीला हुआ करती है। होत है बंगले में, बंगला जी दरबार में श्री जी की प्रतिदिन संध्या समय आरती की जाती है। कई खलक आवे दीदार को। कई खलक यानी 5,000 की संख्या के अतिरिक्त भी बस्ती के आसपास के लोग उस आरती को देखने के लिए आ जाते हैं। सुन कायमी पावे इनसे, लेकिन जो उस सच्चे हृदय से उस आरती में खड़ा हो जाता है, माया का जीव भी होता है वो कायमी पाता है, यानी अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बांग आवाज कानों सुनी तय कुफर होय क्यों रंचक।
जो संध्या आरती की आवाज़ भी सुन लेता है उसको कुफ्र नहीं हो सकता, यानी माया उससे दूर होती है। आप देखेंगे जो राज्य की चितवनी करता है, कोरा के कोरा जीव, ईश्वरी सृष्टि भी ना हो ब्रह्म सृष्टि ना हो, तो भी उसका जीव सत्स्वरूप की पहली बहिष्ट में वहाँ पहुँचेगा जहाँ ब्रह्म सृष्टि का जीव है। चितवनी करने से लाभ ये है। ऋषि मुनियों ने जो बड़ी बड़ी साधनाओं को प्राप्त करके अव्याकृत के जिस बहिष्ट को प्राप्त किया है, संध्या आरती में भाग लेने वाला, तारतम का 5 बार पाठ करने वाला और 5 चौपाई को प्रतिदिन पढ़ने वाला कोरा से कोरा जी भी उसी स्थान को प्राप्त कर सकता है जिस स्थान को बड़े बड़े ऋषियों ने लंबी लंबी साधनाओं से प्राप्त किया है। ये तारतम ज्ञान की महिमा है, क्योंकि तारतम ज्ञान से पता चल गया है कि क्षर अक्षर के पार है पी अक्षरातीत अदात। ऋषियों को पता नहीं था अक्षरातीत कहाँ है कैसा है। उन्होंने अपने हृदय को निर्मल करने के लिए बहुत कठोर साधनाएँ की, लेकिन तारतम वाणी का यह प्रकाश जिसके हृदय में पहुँचेगा, कोरा से कोरा जीव भी होगा तो भी वह अखंड मुक्ति को अवश्य प्राप्त कर लेगा। यही अक्षरातीत है। और ये कौन है? यही अक्षरातीत है, यही है धनिधाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। इनके स्वरूप में बसरी मलकी हकी तीनों सूरतें हैं। अव्वल खूबी अल्लाह कलाम, दूजी खूबी गिरो इस्लाम, तीसरी खूबी तीन हादी वजूद आखिर आए बीच जबूत। तीनों सूरतें सच्चित आनंद इस तन के अंदर लीला कर रहे हैं और यही स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत का है। इन भांत आरती समय, इस समय आरती के समय कई विध होत कलोल, कई प्रकार से शोर शराबा होता है, यानी आरती के समय सुंदर साथ बोलते रहते हैं, कोई जयकारे लगा रहा है, कोई गा रहा है। हे गए बंगले ना सुनात, हाँ इतना शोर होता है कि बंगले में कोई किस आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। कोई सुख नहीं इन तोल, और इसके बराबर कोई सुख नहीं है। एक प्रहर रात लो, एक पर रात लो, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक संध्या आरती का कार्यक्रम होता है, 9 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। होता है ए मनुहार, मनुहार यानी प्रेम पूर्वक श्री जी को रिझाया जाता है, श्री जी को सिंहासन पर बैठा कर सुंदर साथ उनको अक्षरातीत के रूप में मान करके आरती उतारा है। पहले चौथे पहर में क्या होता है, श्री जी को सिंहासन पर बैठाकर चितवनी कराई जाती है, यानी श्री जी स्वयं चितवनी कराते हैं, परम धाम के श्रृंगार में श्री जी को सजाया जाता है और जिन सुंदर साथ की सुरता नहीं लगती वो श्री जी को श्रद्धा भाव से देखते हैं, परिणाम उनके ऊपर राज जी की कृपा होती है और उनको इन नयनों से प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होने लगते हैं, ये धाम धनी की कृपा का फल है। लेकिन आज तो उल्टी कहानी हो रही है, उल्टी गंगा बह रही है कि श्री जी को बना दिया जाता है संत महापुरुष महात्मा आचार्य, फिर कहाँ से वो कृपा होगी, कैसे किसी की सुरता परम धाम में जाएगी, कैसे कोई राज्य को देखेगा। कोई आवत कोई जात है, उस समय कोई आ रहा होता है आरती के समय, कोई जा रहा होता है। कहा लो कहूँ प्रकार, किस प्रकार से वहाँ का वर्णन करूँ। श्री मामती कहे ए साथ जी, श्री मामत जी कहते हैं कि हे साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब 9 बजे से चर्चा का समय होगा। आपने प्रातःकाल में भी सुना है 9 से 12 प्रातःकाल भी चर्चा होती है, रात्रि को भी 9 से 12 चर्चा होती है। प्रातःकाल में एक ही अंतर होता है कि प्रातःकाल 6 बजे जब श्री जी उठते हैं तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कराकर उनको सिंहासन पर बैठाया जाता है और वो चितवनी कराते हैं, और यही चितवनी पिछला दिन बाकी रहिया घड़ी जब चार धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। 4:30 बजे सब सुंदर साथ को चितवनी कराई जाती है, 4:30 से 6 बजे तक, यानी 1.5 घंटा सवेरे 1.5 घंटा शाम को, 3 घंटा प्रतिदिन चितवनी कराई जाती है। ये तो अनिवार्य है सबके लिए 3 घंटे की चितवनी, और सुंदर साथ कुछ होंगे जो समय लगाकर अलग से कर लेते होंगे, लेकिन 3 घंटे की चर्चा और 6 घंटे 3 घंटे की चितवनी और 6 घंटे की चर्चा, 9 घंटा सुंदर साथ इसमें लगाते हैं। सेवा का कार्य अलग है, आप सोचिए उस समय सुंदर साथ ने अपनी आत्मा की जागृति के लिए कितना प्रयास किया होगा। अब कहो प्रहर छठे की, अब छठे पहर का प्रसंग सुनिए, 9 बजे के बाद क्या होता है।
जित चर्चा होता है हक, जिसमें स्वयं अक्षरातीत श्री जी चर्चा करते हैं। बैठे सुनत जमात, बैठे सुन्नत जमात। और सुन्नत जमात जिसको कहते हैं, आजकल जो मुसलमान होते कहते हैं हम सुन्नत जमात है, यानी श्री मोहम्मद साहब के वचनों को हम सुन करके दृढ़ता से आचरण करने वाले हैं। हम सच्चे हैं, यानी हम सत्य मार्ग के अनुयायी हैं, हम सुन्नत जमात हैं। लेकिन वो तो शरीयत की राह पर चलने वाले हैं। फर्ज बंदगी जाहिरी करे हक से दूर, और बंदगी रूह की करे हक के नज़ीक। जो पांच बार नमाज पढ़ लेते हैं वो अपने को खुदा के बंदा कहना शुरू कर देते हैं, वो तो शरीयत की नमाज है। सच्ची नमाज क्या है? नमाज कहीं छः वेद की, छः तरह की नमाज है। दो शरीयत, एक तरीकत, एक हकीकत और दो बका मार्फत। शरीयत की दो नमाज क्या है? एक जिस्मानी, एक नफसानी, जिस्म यानी शरीर से, और एक है नफ्सों से, इंद्रियों से। आप मुँह से कुछ बोल रहे हैं। एक तरीकत जिसमें चलना फिरना बोलना सब बंद हो जाए। जो मुसलमान लोग पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं ये शरीयत की नमाज है। शरीर उनका हिलता डुलता है, उठते हैं बैठते हैं, दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं, मुख से कुछ बोलते हैं। नफसानी जिस्मानी ये शरीयत की है, तरीकत की, जिसको सूफी फकीर करते हैं। पूरी रात अल्लाह की इबादत में बिता देते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते दिन की। रात को 9 से 12, 9 से लेकर 3 बजे तक 6 घंटे उनकी बंदगी के समय होते हैं। फिर 3 बजे दुनिया को दिखाने के लिए सो जाते हैं, और उधर पहले सोए रहते हैं, 9 बजे उठ जाते हैं। ये तो दुनिया वालों के लिए है शरीयत और तरीकत की। हकीकत और मार्फत की नमाज ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। एक हकीकत और दो बका मार्फत, ये केवल परम धाम की आत्माएँ करती हैं। जो खास गिरोह बुजुर्ग, जो खास गिरोह बिजरोग, जो ब्रह्म सृष्टि है वही वाणी चर्चा का रस लेती है। कुरान हदीसा बाँचने, कुरान और हदीसों को पढ़ने के लिए बैठते हैं दास लाल, लाल दास जी बैठते हैं। गोकुल दास पढ़ते हैं, और गोकुल दास जी क्या करते हैं? करने राज कुशाल। लाल दास जी और गोकुल दास जी किस लिए? धाम धनी को रिझाने के लिए। मुरलीधर सन्मुख बैठते, अब श्री जी चर्चा करते हैं परम धाम की। अब चर्चा होगी रात्रि को, जो चर्चा होती है केवल परम धाम की। जब भी चर्चा का प्रसंग आएगा तो मुरलीधर का नाम अवश्य आएगा। मुरलीधर जी श्री जी के सामने मूर्ति की तरह से बैठ जाते हैं कि उनका शरीर भी हिलता डुलता नहीं है। पलक ना मारत नैन, और उनकी पलकें भी नहीं झुकती। मुख सो मुख सन्मुख, श्री जी के मुख के सामने उनका मुख होता है। श्रवण सुने मुख बेन, और उनके कान बिल्कुल सजग रहते हैं कि श्री जी के मुखारविंद से कौन से शब्द निकलते हैं। और किशोरी आवत, और किशोरी सिंह हैं। बैठते चर्चा में, चर्चा में जो नियमित रूप से आते हैं उन सुंदर साथ के नाम है। देखिए 5000 की संख्या है, 5000 की संख्या में जो निष्ठाबद्ध होकर के चर्चा सुनते हैं केवल उन्हीं का नाम आएगा। महाराजा छत्रसाल जी का नाम आएगा, देवकरण जी का नाम आएगा, किशोरी सिंह का नाम आपने सुना। देवकरण और किशोरी सिंह जी नियमित रूप से सेवा भी करते हैं। देवकरण जी दीवान हैं लेकिन झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैं इतने बड़े राज्य का दीवान हूँ, महाराजा का भतीजा हूँ, नहीं, किसी तरह का अहंकार नहीं। उनके मंदिर में मन में यही दृढ़ता है कि मैं किस तरह से अधिक सेवा करूं। झाड़ू देत बंगले मिनी, ये झाड़ू लगाने की सेवा है दीवान देवकरण जी की। सोबत देवकरण से, और ये देवकरण जी हैं। आप देखिए जाति पाति के बंधनों को वहाँ मिटा दिया गया है। जब श्री जी जहाँ भी पढ़ते हैं तो उनको बिस्तर लगाने की सेवा जानते हैं कौन करता है? बिहारी दास फराज। फराज कौन होता है? भंगी, यानी सुंदर साध की जमात में भंगी भी। महाराजा छत्रसाल जी जैसे लोग हैं, छत्रसाल जैसे महाराजा भी हैं, तो भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य हैं, मुकुंद दास जी जैसे विद्वान हैं, इनके साथ ही छोटे से छोटे लोग भी हैं। धाम धनी ने जानबूझकर बिहारी दास फराज को अपने बिस्तर लगाने की सेवा दी है ताकि सुंदर साथ में किसी भी तरह से जाति पाति का भेद न रह जाए। लेकिन
ये तो कहने के लिए सुंदर साथ में जाति पात का बंधन बहुत कड़ा है। ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि आज हिंदू समाज जाति के नाम पर लड़ रहा है, हजार पंथों में और 1200 जातियों में बंटकर अपनी शक्ति को खो रहा है। हिंदू हिंदू का गला काटने के लिए तैयार रहता है कि हमारी जात बड़ी है, तुम्हारी जात छोटी है। संप्रदायों में जितने महात्मा लोग होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, तुम्हारा संप्रदाय छोटा है, मेरा संप्रदाय बड़ा है, गुरु का झगड़ा है। ये झगड़ा अन्य पंथों में नहीं है, ये जाति पाति के बंधन को तोड़ने के लिए सबने प्रयास किया है। लेकिन ये जाति पात ऐसा कोढ़ रोग है जो हिंदू समाज में घृणा की ज्वाला भटकाता रहता है। जिनके पास विवेक दृष्टि होती है वो कभी भी जाति को नहीं मानते। कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था होती है, कर्म से कोई ब्राह्मण बनता है, कर्म से क्षत्रिय बनता है, कोई वैश्य बनता है और शुद्ध बनता है। जन्म के आधार पर न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, ये शूद्र है। तुलाराम सेवामिने, और सेवा में तुलाराम जी आते हैं। आवत दर्शन को जब, श्री जी का दर्शन करने के लिए जब आते हैं, प्रणाम करके बैठते, धाम धनी को प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। चर्चा सुनत है तब, और तब श्री जी के मुखारविंद से निकली हुई चर्चा को सुनते हैं। और शेख बदल बैठत, चर्चा में कौन बैठते हैं? शेख बदल जी। और लाल खान, आप देखेंगे लाल खान वही कोहटी और शेख बदल वही दिल्ली का शेख बदल जिसने औरंगजेब की शरीयत को चुनौती दी थी। महीन पठान बैठत, महीन पठान बैठत वही औरंगाबाद वाला महीन पठान। और अव्वल खान सुने कान, अव्वल खान भी वही का है जो उदयपुर में मिला था और औरंगाबाद में राजा भाव सिंह के दरबार में रहता था। जिस अव्वल खान ने श्री जी का स्वरूप देखते ही उनके स्वरूप की पहचान कर ली थी नूर मोहम्मद के माध्यम से, और अपने कोड़े से अपने को मारने लगा था कि रे मूर्ख, अल्लाह ताला आए बैठे हैं और तू उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया। अव्वल खान परमधाम की आत्मा है, एक मुस्लिम तन में है, लेकिन उन सुंदर साथ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो अपने को सर्वोपरि मानते हैं। उनके अंदर तो परमधाम का वह विरह नहीं, वह प्रेम नहीं जो अव्वल खान के अंदर देखा गया। टेक चंद वाली भांत सो, और टेक चंद जी बहुत अच्छी तरह से, और धुंध राय, और धुंध राय ये चर्चा सुनने वालों के मुख्य मुख्य सुंदर साथ के नाम है। पोहकर दास भी आवत, और वही चतुरा चतुर पोहकरण पुष्कर चतुरा दास जिन्होंने लाल दास जी की आत्मा को छोड़ दिया था। देखिए सब 5000 की संख्या रह रही है, चर्चा में मजबूरी बस सबको बैठना पड़ता है, लेकिन चौपाई में आएगा सबसे पहले उठी आम। चर्चा से भागना सबसे पहले कौन चाहता है? जीव सृष्टि। जीव सृष्टि सोचती है कि जल्दी से चर्चा खत्म हो और हम जाकर सो जाएं। चितवनी से सबसे कौन भागता है? अधिक जीव सृष्टि। चर्चा चितवनी और सेवा से जीव सृष्टि हमेशा जी चुराएगी, न वो सेवा करने चाहेगी, न चितवनी करना चाहेगी, न चर्चा में बैठना चाहेगी। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के लिए ये तीनों अमृत हैं, तीनों आहार हैं। न वो चितवनी के बिना रह सकती है, न चर्चा के बिना रह सकती है, और न सेवा के बिना रह सकती है। बिहारी फरास आवत, अब देखिए बिहारी दास फरास का नाम आ रहा है, वो क्या करते हैं? और बिहारी झंडूला, ये दोनों हैं बिहारी दास फरास और बिहारी दास झंडूला। दूर खड़ा सुनत है, और दूर वहाँ दूर खड़े होकर कौन सुनता है? भगवान कलाम अल्लाह। हाँ, भगवान दास जी जो है श्री जी के मुखारविंद से निकले हुए वचनों को खड़े होकर के सुनते हैं। भिखारी दास बैठत, भिखारी दास जिनको शेख खिज्र ने भेजा था कि जाकर के वैरागियों को पकड़ लाओ, तो वो जाकर के उसने कहा था कि मैं पहचान करके आता हूँ, वही भिखारी दास अपने पूरे परिवार के साथ आकर के वहाँ समर्पित हो गए हैं। और मैया राम, और मैया राम भी चर्चा में बैठते हैं। बेनी दास आवत, बेनी दास जी का भी नाम आता है। शोभा दास विश्राम, शोभा दास जब श्री जी स्नान कर रहे होते हैं तो उनके बहते हुए जल में जमीन पर भावुक होकर के लोट पोट जो करते हैं वो सुंदर साथ परमधाम की ब्रह्मात्मा है, और श्री जी के मुखारविंद से निकले हुए वचनों को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता।
आप सोचिए उस समय कितना सुख होता होगा। मैंने भी देखा है सरकार से जब चर्चा करते थे तो सुंदर साथ भाग भाग करके आते थे। तो आप सोचिए हक की सूरत जब जिस समय चर्चा कर रहे होंगे उस समय सुंदर साथ में कितनी तड़प होती होगी कि हम श्री जी के मुखारविंद से निकलने वाले बचनों का रस पान करें। कोई सुनत है पुष्ट में, तीन तरह से सुनने वाले होते हैं। एक तो होते हैं पुष्ट के द्वारा दृढ़ता पूर्वक सुनना, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सुनना, और एक होते हैं प्रवाही कि दूसरे जा रहे हैं तो मुझको भी जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो नास्तिक है, आश्रम में रहता है, चर्चा नहीं सुनता। और एक होते हैं मर्यादे, माने दिख मजबूरी में जाना पड़ रहा है। पुष्ट, प्रवाह और मर्यादित, तीन तरीके से चर्चा का श्रवण करने वाले होते हैं। कोई सुने मर्जाद, कोई मर्यादा में, कोई प्रवाह में कान दे, और कोई प्रवाह में देखा देखी अपने कानों को कष्ट देते हैं कि चलो नहीं सुनेंगे तो बदनामी होगी, इससे अच्छा चुपचाप बैठे रहें, भले ही मन कहीं भटकता रहे, पूछा जाए चर्चा में क्या कहा गया तो इतना कह देंगे बहुत अच्छा कहा गया, पूछा गया कि कुछ सुनाओ तो, लेकिन क्या सुनते हैं, मन तो उनका कहीं भाग रहा होता है, इससे ज्ञान तो अंदर प्रवेश नहीं करता, लेकिन अपनी लिस्ट में अपना नाम भी बता देते हैं कि मैं भी चर्चा सुनने गया था। इनको कहते हैं मर्यादित तरीके से चर्चा सुनने वाला। ये सुनने की बुनियाद, ये तीन तरह से सुनने वाले होते हैं। यो एक एक के तीन तीन, अब एक एक के तीन तीन भेद होते हैं सत्व रज तम के भेद से, तीन तीनों के नाव, और इस तरह से भक्ति भी तीन तरह की होती है। चर्चा का श्रवण या नौथा भक्ति तीन तरह की होती है सत्व रज तम के भेद से, फिर बांटे तीन बेर, और इस तरह से सत्व रज तम के भेद से और पुष्ट प्रवाह मर्यादा के भेद से ये 27 हो जाते हैं। 27 कहो, ये इस तरह से होते हैं। और नवधा भक्ति को कि में 9 से गुणा कर देंगे तो ये सारे मिलकर के 81 भेद हो जाते हैं। और महल 24 हास को, ये 108 पक्षों का प्रमाण दिया गया है कि नवधा भक्ति को पुष्ट प्रवाह और मर्यादित तरीके से पालन किया जाता है तो 27 भेद होते हैं। सत्व रजतम की दुनिया में किया जाता है तो 81 भेद हो जाते हैं। और 82वां पक्ष बल्भाचार्य का, 83वां पक्ष कबीर का, और परम धाम के 25 पक्ष, धाम तालाब कुंजमन सोहे, मानिक नहरे बनकी सोहे, पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए, एम पुखरा जमुना जी लहिए, अठो सागर अठ चिमिके, 25 पक्ष श्री धाम तरीके। ये 83 पक्ष के ऊपर परम धाम के 25 पक्षों को मिला देंगे तो ये सब मिलकर 108 पक्ष हो जाते हैं। और आठों सागर, और किस तरह से आठ सागर हैं, और पहाड़ पुखराज, श्री जी सारा वर्णन करते हैं पुखराज पहाड़ की शोभा कैसे आई है, जमुना जी यहाँ प्रगटी, जमुना जी किस तरह से पुखराज पहाड़ के मूल कुंड से प्रकट होती हैं, ए ब्यौरा करते श्री राज। अब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा प्रारंभ हो जाती है तो रात्रि की चर्चा में केवल परम धाम का वर्णन होगा, राज्य श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन होगा या परिक्रमा से 25 पक्षों का। परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, खिलवत परम धाम की चार किताबें हैं और रात्रि के वर्णन में इन्हीं चार किताबों की विशेष रूप से चर्चा होगी। हो सकता है कभी उस समय चारों किताब न भी उतरी हों क्योंकि कभी खिलवत उतरी, कभी परिक्रमा, कभी सागर, कभी श्रृंगार, लेकिन विषय वही रहता है। और जो सवेरे चर्चा होती है उसमें सभी ग्रंथों से एक अक्षरातीत की पहचान कराई जाती है। 6 घंटे की चर्चा और 3 घंटे की चितवनी, आज वही सब बंद हो गया है। आजकल तो 6 कई घंटे जुलूस में निकाल दिए जाते हैं, कई घंटे भजनों की ढोलक की थाप पर उछलने कूदने में लगा दिए जाते हैं तो आत्मा की जागृति का रास्ता ही बंद हो जाता है। श्रीराज और श्यामा जी, राजी और श्यामा जी, ये दोनों जुगल किशोर, इन दोनों का स्वरूप अति सुंदर किशोर स्वरूप है, रुहे रहे दरगाह में, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ हैं जो उस परम धाम की खिलवत में रहती हैं। ये तीनों एक स्वरूप ना, और परम धाम में 5 स्वरूप हैं, राज्य, श्यामा जी, सखियाँ, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये 5ों अद्वैत एक ठोर।
इन पांचों को राज्य से भिन्न नहीं समझना चाहिए। अक्षर आवे मुजरे को, और अक्षर ब्रह्म राज्य का दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री धाम धनी के दीदार, उनका दर्शन करने के लिए। मुजरा कर पीछा फिरे, और दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। रिझावे परवर दिगार, और इस प्रकार अपने धाम धनी को रिझाते हैं। अक्षर को इच्छा भई, अक्षर ब्रह्म के अंदर इच्छा होती है। रूहो कैसा इश्क, कि धाम धनी अपनी आत्माओं के साथ कैसा प्रेम करते हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म सत्ता के स्वरूप हैं। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, छिन में देख के पल में उड़ावे। उनको प्रेम का पता नहीं कि प्रेम में अपने अस्तित्व को मिटा देना होता है। आप देखिए, ब्रज में लीला होती है, गोपियाँ सिकड़ जी को अपने घर ले जाती हैं और कहती हैं कि कन्हैया, यदि तुम्हें मक्खन खाना है तो हमें नाच कर दिखा, तो हम तुमको मक्खन देंगे। और जो सबका प्रीतम है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है, अपनी ही अंगनाओं को खुश करने के लिए नृत्य करता है, और गोपियाँ उनको मक्खन देती हैं। वो भूल जाती हैं कि हम इनकी अर्धांगिनी हैं, और अक्षरातीत प्रेम के ऐसे रूप में है कि अपनी सर्वशक्तिमान की भी सत्ता को भुला देते हैं। अक्षर ब्रह्म के लिए एक अनहोनी घटना है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने कभी प्रेम नहीं किया, कभी प्रेम की लीला को नहीं देखा। यही देखने के लिए तो उन्होंने 24,000 सुरताएं धारण की थी। प्रेम परिवर दिगार सो, किस प्रकार से उनका अक्षरातीत से प्रेम है। क्यों रहे साथ हक, कैसा अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ प्रेम करते हैं। हम आपस में रब्द करके, और तब परमधाम की आत्माओं ने रब्द किया। रब्द यानी वार्ता की, कि हमें अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है। आया पासे हक, और तब आपस में विचार करके राज्य के पास आई कि धाम धनी, हमें माया की लीला को देखना है। हम खेल देखने की, हमने परमधाम में राज्य से इच्छा की कि हमें माया का खेल देखना है। रहे बड़ी चाह बुजरक, बहुत अधिक चाहना की। ब्रज में, सबसे पहले ब्रज में आए, रास में आए, उसके पश्चात किस तरह से अरब में अक्षर की आत्मा आती है मोहम्मद साहब के रूप में। चौथे दिन में सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी के रूप में श्यामा जी की आत्मा आती है। पाँचवें दिन की लीला में स्वयं अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करते हैं। और छठा दिन वर्तमान में चल रहा है। रसूल आए तुम वास्ते, आगे किस तरह से तीसरे दिन में मोहम्मद साहब आए। अरस अजम की सुकन, और परमधाम के बचनों को स्वयं अक्षरातीत, किस तरह से परमधाम की शोभा है, सारा वर्णन उस समय होता है। जिनसे होए सिफायत, जिनसे सिफायत होती है, यानी सबको अपने आत्मा के मूल स्वरूप की पहचान होती है। दीदार होए हक का, और ज्ञान से क्या होता है, दीदार होता है। मार्फत देवे इसके हुए दीदार, इसके मिली हक सो इसके खुले पट द्वार। मार्फत का इल्म आता है तो हकीकत का इश्क आता है। और श्री जी के मुखारविंद से जब मार्फत के ज्ञान की चर्चा सुनने को मिलती है, परमधाम की सर्वोच्च मार्फत की चर्चा, तो सुंदर सा धन समझता है अपने को। वर्णन करते धाम को, अब जब स्वयं श्री राज जी अपने मुख से परमधाम का वर्णन करते हैं। परदक्षिणा पुखराज, पुखराज पर्वत के चारों ओर की शोभा का वर्णन करते हैं। अहनिश केल करत हैं, किस प्रकार से राजी इनके चारों ओर क्रीड़ा करते हैं। संग संया श्री राज, परम धाम की आत्माओं के साथ स्वयं धाम धनी किस प्रकार अष्ट पर लीला करते हैं, ये सारा रात्रि की चर्चा में बताया जाता है। हौज दिखावत है तुसो, और किस प्रकार बहुत प्रेम पूर्वक धाम धनी हौज कोसर की शोभा का वर्णन करते हैं। और चारों घाट, और 16 देवी का घाट, 9 देवी का घाट, 13 देवी के घाट की शोभा का वर्णन करते हैं। टापू वर्णन करते हैं, हौज कोसर के मध्य में किस प्रकार टापू महल आया है, उसका भी वर्णन किया जाता है। एक हीरो की सब ठाट, और पूरा हौज कोसर एक ही हीरे की शोभा में बना हुआ है। आप देखिए, आप अंगूठी में तो एक छोटा सा हीरा लगाते हैं, उसका भी मूल्य लाखों में होता है। पूरा हौज को सर एक हीरे की शोभा में आया है। ये दुनिया का हीरा नहीं है जो कोयले से बना है, उसकी कांति हीरे जैसी है, वो चेतन है। परम धाम का एक एक कण करोड़ों सूर्यों का प्रकाश लिए हुए है। ऐसे हौज को सर में क्रीड़ा करने वाले आप हैं, लेकिन आप कहाँ फंसे हैं। इस शरीर से बच गए तो दुनिया की झूठी गंदी
चिरकिन जिमी में आप अपने को मान रहे हैं कि यही हमारा घर द्वार है। मानक पहाड़ से दक्षिण, और मानक पहाड़ के दक्षिण में क्या आया है? नदी निर्मल नीर। किस तरह से मानक पहाड़ के दक्षिण में महानद आया हुआ है? ताकि सिफत का दिखा वही, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जल उजल खुशबोए खीर। किस प्रकार से उसका जल दूध से भी अधिक उज्ज्वल है? जहाँ राज रमत है, वहाँ पर किस तरह से धामधनी क्रीड़ा करते हैं? बन की जो मोहलात, बन के महलों में किस प्रकार से राज्य क्रीड़ा करते हैं? अत सुंदर शोभा देते हैं, और बहुत अधिक वहाँ शोभा हो रही है। सो क्यों कह विख्यात, उसको किस तरह से वर्णन में लाया जाए? ए लीला केति कहो, किस प्रकार से 9 से 12 बजे तक स्वयं धामधनी अपने मुखारविंद से परम धाम की लीला का वर्णन करते हैं, उसको कितना व्यक्त किया जाए? रात होता प्रहर दोए, अब 2 पहर रात बीत गई होती है, यानी 12 बज गए होते हैं। कोई समय 3 जात है, और किस तरह से समय 3 घंटे का बीत गया पता ही नहीं चलता। 1 पहर का समय बीत गया है किसी को पता नहीं। इतनी मधुर चर्चा श्री जी के मुखारविंद से हो रही होती है। चर्चा कई समझावे सोए, और चर्चा करके स्वयं धामधनी सबको समझाते हैं। श्री राज पौड़े पलंग पर, अब 12 बज चुके हैं, श्री जी प्राय पौड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी किसी दिन चर्चा 2 बजे तक भी होती है, किसी दिन 1 बजे तक होती है। कोई नियम नहीं है कि 12 बजे तक ही चर्चा हो। श्री जी के मन में आया तो 12 बजे के बाद 1, 2, 3 तक भी चर्चा हो सकती है। आप सोचिए, आप तो वार्षिकोत्सव में 5 दिन चर्चा सुन लेते हैं, और बीतक में 1.5-1.5 घंटा करके 1 महीने चर्चा सुन लेते हैं। चितवनी आपको करनी नहीं, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का बोझ आप पर होता है कि हमारा ये काम है, ये काम है, आप समय नहीं दे पाते। जिनके लिए आप जी रहे हैं वो तो आपको छोड़ देंगे, आपसे नहीं छूटता संसार। वो सुंदर साथ हैं जिन्होंने 6-6 घंटा 8-8 घंटा प्रतिदिन चर्चा सुनी है, 3-3 घंटा प्रतिदिन चितवनी की है, कई कई घंटे सेवा की है, घर द्वार छोड़कर दिन रात उसी में लगे रहते हैं। ये तो मृग तृष्णा के संसार हैं, जिनको आप अपना समझते हैं एक न दिन आपको छोड़ देंगे, 2-4 दिन रोएंगे फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन आप को ये आत्मचिंतन करना होगा कि जो हमारा है, हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, उसको देखने के लिए हमें अपने जीव को थोड़ा सा कोमल बनाना पड़ेगा, हृदय को माया की तृष्णाओं से अलग करना पड़ेगा, तब अखंड सुख की लज्जत आएगी। श्री महामति कहे ऐसे यनो, महामत जी कहते हैं कि हे साची, ए 6ठे प्रहर की बीतक, ये 6ठे प्रहर की बीतक है, अब कहो प्रहर सातवां, अब आप 7वां प्रहर माने 12 बजे से 3 बजे तक क्या होता है उसको सुनिए। जैसी सोबत हाक, जैसे धामधनी ने उस समय लीला की, 12 बजे से 3 बजे का समय भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना स्वास्थ्य खराब कर लीजिए, 24 घंटा आप भी जगा कीजिए, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति 5 घंटे यदि सोता है तो भी उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन यदि जो व्यक्ति 2 घंटा ध्यान करता है तो अपनी निद्रा में से 2 घंटा कम कर देगा तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होना है। 1 घंटे ध्यान करने से, सच्चे हृदय से आप 1 घंटा ध्यान कर लीजिए और अपने नींद में से 1.5 घंटे कटौती कर लीजिए तो भी आपका स्वास्थ्य पूर्णतया ठीक रहेगा। लेकिन यदि आप ध्यान नहीं करेंगे, कितना भी सोएंगे, तो ये सोचिए आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि मन की शांति जब तक नहीं होगी, कितना भी खाइए कितना भी सोइए, कोई ना कोई रोग हो जाएगा। जापान के लोग, रसिया के लोग क्यों स्वस्थ रहते हैं? एक तो उनकी नैतिक नियमित दिनचर्या है। भारत के लोग जो चाय पीते हैं, गाँव में जो चाय पीने की परंपरा है वो तो बिल्कुल जहर है। एक ही बार चाय की पत्ती को डालकर घरों में माताएं उसको गर्म करती रहेंगी, किस लिए? कड़क करने के लिए। उनको पता नहीं है कि चाय की कैफीन, टैनिन सब जहर जितना है घुल घुल करके उसमें आ जाएगा।
जो जापानी और चाइना के लोग जो चाय पीते हैं उसमें दूध नहीं डालते, चीनी नहीं डालते, गर्म पानी में चाय की पत्ती को डालकर उसको छान लेते हैं तुरंत। एक मिनट से ज़्यादा गर्म पानी में चाय पत्ती नहीं डाली जाती है और उस चाय पत्ती में कोई केमिकल नहीं पड़ा होता है, शुद्ध वनस्पति की होती है और उसको पीने से शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, पाचन क्रिया तंदुरुस्त होती है। चीन और जापान के लोग कभी भर पेट नहीं खाते, तो आप कहीं भी चीन वालों को जापान वालों को रोगी नहीं देखेंगे। अपने देश की तरह वहाँ के हॉस्पिटल रोग से भरे नहीं रहते हैं। अपने देश के लोगों को जो खान पान है विकृत हो चुका है, फास्ट फूड का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसका परिणाम ये होता है कि वो शरीर से मन से हर तरह से रोगी हो गए। चाय पीने का तरीका गलत है, खाने का तरीका गलत है। प्राचीन काल की जो पद्धति थी उसमें देसी गाय के घी का प्रयोग होता था और घी को तलने की परंपरा नहीं थी बल्कि ऊपर से डालने की परंपरा थी। परिणाम क्या होता था, वो गाय देसी गाय का घी कभी कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करता था। अब ये जो आजकल परंपरा चल गई है, ये दूध ये तेल की जिसका रिफाइंड तेल की, उसमें तो केमिकल डाले जाते हैं और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने शरीर की सुरक्षा के कीजिए, उचित निद्रा लीजिए, उचित भोजन कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 8 घंटे सोइए और भर भर पेट भोजन कीजिए। युक्त आहार विहार, न कम खाइए न अधिक खाइए, भूख से कुछ कम खाइए, थोड़ी भूख को रखिए। परिणाम क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप भोजन में मात्रा को थोड़ा कम कर दीजिए, रात्रि को भोजन थोड़ा हल्का लीजिए और जितने देर आसन में चितवनी के लिए बैठिए, शरीर को स्थिर रखिए, हिलाइए डुलाइए नहीं, मन को शांत रखिए, तो आप 1 घंटे भी यदि चितवनी बढ़िया से कर लेंगे तो नींद में से 1 घंटा कटा देंगे तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। आप जो बहाना बनाते हैं कि हमारे पास काम इतना है कि हम चितवनी को समय नहीं दे पाते, तो आप सोचिए आप परिवार के साथ टीवी के सामने बैठते हैं, पड़ोसियों से वार्ता करते हैं, संगे संबंधी रिश्तेदार आते हैं उनसे वार्ता करते हैं, सबसे वार्ता करने के लिए समय मिल जाता है और राज्य से बातें करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कल्पना कीजिए अभी विश्वयुद्ध छिड़ जाए तो आपने जो इतना धन कमा रखा है उसका क्या होगा। यदि शरीर के ऊपर खतरा हो जाए, अब लगे कि आज ही मरना है, तो आज तक आपके साथ वही जाएगा जो आपने राज्य से प्रेम किया है। यदि राज्य से प्रेम नहीं किए हैं तो आपकी माया की कमाई तो यही रह जानी है। सगे संबंधी आपको छोड़ जाएंगे, आपके साथ जाएगा केवल राज्य का प्रेम। इसलिए याद रखिए, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने राज्य की चितवनी न की हो। सोते समय भी राज्य को दिल में बसाइए, सवेरे उठने के बाद पहला काम राज्य की चितवनी का कीजिए। विद्यार्थी को चाहिए कि सबसे पहले उठ करके अक्षरती धाम धनी की शोभा को दिल में बसाए, उसके पश्चात किताब को हाथ लगाए। गृहस्थ को चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले बिस्तर को छोड़कर अपने आराध्य अपने प्राणेश्वर राज्य का ध्यान करें। यदि माताएं सवेरे उठ उठ कर ध्यान करेंगी तो निश्चित है कि ये संसार का निर्माण होगा। लेकिन जब सवेरे उठते उठते कभी किसी बच्चे को पीट रही हैं, कभी किसी की निंदा कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, तो उस घर का माहौल क्या होगा, नरक हो जाएगा। स्वर्ग और नरक बनाना सब नारी शक्ति के हाथ में है। यदि उसमें धार्मिकता है, धैर्य है, भक्ति भाव है, तो नारी पृथ्वी को स्वर्ग बना देगी। यदि उसमें तामसिक प्रवृत्ति है, जिद की प्रवृत्ति है, अहंकार है, तो ये बहुत घातक होता है, क्योंकि जैसी नारी होगी वैसा ही समाज होगा, उसकी संतान वैसी ही होगी। अब रात प्रहर दो गई, अब दो पहर रात के बीत चुके हैं यानी 12 बज चुके हैं। पहर 4 दिन 2 रात, अब ये रात्रि के 2 पहर बीत चुके हैं। उपरांत पहर 7वां, अब 7वां पहर बीत चुका है। कहो ताकि विख्यात, अब 7वां पहर प्रारंभ होने वाला है। दिन के 4 पहर
और रात्रि के दो पहर बीत चुके हैं। अब 6 घंटों की लीला सातवें पहर की, 8वें पहर की बाकी है। अब आप 7वें पहर की लीला सुनिए। इन समय सेज समारत, अब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं 12 बजे तक, तो श्री जी के लिए सुंदर साथ सेजा तैयार कर रहा होता है। नारायण द्वारका दास, नारायण जी और द्वारका जी, गंगादास परमानंद, गंगादास जी और परमानंद जी भी हैं, और सेज समारत खास, ये विशेष रूप से श्री जी की सैया तैयार करते हैं। अत सुंदर सेज बंध, सेज्जा के जो बंध हैं चारों कोनों पर जो बांधे जाते हैं बहुत ही सुंदर हैं। जुगदे बांधे चारों पाए, पलंग से जो बिस्तर बिछाया जाता है पलंग से उसको बहुत युक्ति पूर्वक सावधानी से सुंदर साथ बांधते हैं। पांचों रंग रेशमी झलकत, और 5 रंग की जो पाटी जो जिससे बुनाई गई है वो झलकार कर रहे हैं। सुंदरता सुखदाय, और उसकी ये सुंदरता बहुत अधिक सुख को देने वाली है। सेज बिछाई सनिया सो, बहुत प्रेम से सुंदर साथ ने उस सेज्जा को तैयार किया है कि इस पर हमारे धाम धनी शयन करेंगे। फेरत ऊपर हाथ, और उस पर हाथ फेरते हैं किस लिए, कि कहीं सिलवट न रह जाए भाव से, क्योंकि सब में तड़फ है कि इस पर धाम धनी को आराम करना है। श्री जी सोते नहीं हैं, लेटे लेटे आप देखेंगे 12 से 3 बजे श्री जी लेट करके केवल पीठ सीधी करते हैं, और सुंदर साथ उनके सामने अब जो चर्चा सुना है उस चर्चा को दोहराते हैं। आप सुंदर साथ भी तो चर्चा सुनते हैं, यदि पहले दूसरे दिन की चर्चा पूछी जाए तो आधे सुंदर साथ को नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो सुना उसको दोबारा रिपीट नहीं किया। और वो सुंदर साथ सोचते हैं कि श्री जी के मुखारविंद से जो निकला उसको हम नहीं सुनेंगे, तो उस युग में तो सीडी थी नहीं, आजकल तो संसाधन है, यूट्यूब में सेफ हो जाएगा, आप किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जितने उपकरण हैं उनके माध्यम से आप सीडी में कहीं से भी सुरक्षित कर सकते हैं। उस समय तो एक बार जो श्री जी के मुखारविंद से निकला दोबारा मिलने वाला नहीं था, इसलिए सुंदर साथ उस ज्ञान के अनमोल मोती को दोबारा रिपीट करके दोबारा आपस में एक दूसरे का कह कर अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेते हैं कि जब तक हमारा तन रहे हमारे मन मना पटल पर श्री जी के मुखारविंद से निकली हुई ये चर्चा हमेशा के लिए अखंड हो जाए। आए आगे अर्ज करें, और जब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं तो आगे आकर कौन कहता है, सेवे वल्लभ दास, और वल्लभ दास जी ये सेवा करते हैं। घड़ी घड़ी पोहर पोहर, हर घड़ी हर पहर में सुनावे धाम लीला खास, ये धाम की लीला का वर्णन करते हैं। सवाल करे कोई बीच में, और श्री जी जब चर्चा करते हैं तो कोई बीच में श्रवण करता है। ताको दे उत्तर, कोई बीच में प्रश्न करता है तो श्री जी उसका उत्तर भी दे देते हैं। फेरे चर्चा 3 पर होता है, और किसी ने प्रश्न किया होता है तो श्री जी पुनः उस पर चर्चा कर देते हैं। रस घटना क्यों कर, श्री जी चर्चा करते रहते हैं, कोई प्रश्न पूछता है तो उसको उत्तर भी देते हैं, इस प्रकार चर्चा का रस कभी घटता नहीं है। गोकुलदास इत आए के, और उस समय गोकुलदास जी आकर ल्यावत हदीसे, उस समय हदीसे ला करके देते हैं। केशवदास पढ़त है, केशवदास जी उसको पढ़ते हैं। यो करते आधी रात पर, इस प्रकार से आधी रात हो जाती है। घड़ी 2-4 बीतत, और आधी रात के बाद भी 2-4 घड़ी बीत जाती है। फिर के अरज होता है, फिर सुंदर साथ प्रार्थना करते हैं। कहे उठत है लियाओ प्रतीत, और श्री जी कहते हैं कि धामधनी काफी रात्रि हो गई आप उठिए। श्री जी कह रहे हैं कि मैं उठता हूँ। श्री भाई जी इत बैठत, अब उस समय बाईजुराज जी बैठते हैं। करत इशारत साथ, बाईजुराज जी के सुंदर साथ को कहती है कि भाई क्या हो गया इतनी देर श्री जी हो गए, अब आप चर्चा मत सुनो बंद कराओ। बेर भाई अबेर, बहुत देर हो गई है, क्यों ना छोड़ो किताब हाथ, अब आप लोग किताबें रख दीजिए, श्री जी से प्रश्न करना बंद कर दीजिए, संकेतों में कहती हैं। श्री राज देखा साथ सामने, और श्री राज जी भी देखते हैं कि अब सुंदर साथ काफ़ी थक चुका है क्योंकि 4 घंटे से ज़्यादा समय हो गया होता है।
हुए उठने को तैयार। आप श्री जी उठने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब स्वरूप वर्णन धाम का, आप सोते समय भी धाम का स्वरूप वर्णन होता है कि राज्य श्यामा जी का श्रृंगार क्या है। दिखाया परवर दिगार, अब परम धाम का के में विराजमान श्री राज्य का सिंहासन क्या है उसको बताया जाता है। श्री राज उठत इन समय, श्री राज्य उस समय उठते हैं। पधारत घर मानक, और उसके पश्चात मानिक भाई के घर जाते हैं। हाथ पकड़ उठावत, और जब श्री जी उठते हैं तो उनको हाथ पकड़ कर उठाने की सेवा करते हैं सुंदर साथ। गंगा दास बुजरक, ये सेवा गंगा दास जी की है। पहुँचावे मानक के मकरंद, और मानिक भाई के यहाँ मकरंद भाई पहुँचाते हैं। बैठावत बाई गौर, और उनको बैठाया जाता है। मानक बातें करते हैं, और मानिक भाई जी श्री जी के साथ बातें करते हैं। लिए हुज्जत चित मरोर, अपने चित में भावना है कि किस तरह से श्री जी के को हम रिझाएं। आए विराजे सेज पर, उसके पश्चात श्री जी आकर अपनी सेज्या पर विराजमान हो जाते हैं। साथ सब किया प्रणाम, और सब सुंदर साथ उन्हें प्रणाम करते हैं। आप अपने आसन गए, और सब सुंदर साथ अपने अपने आसन पर जाते हैं। पहले उठी सब आम, आप सुनिए क्या कहा जा रहा है। पहले उठी सब आम, सबसे पहले जीव सृष्टि सोचती है कि आफत टली, अब हमें चर्चा नहीं सुनने को मिलेगी। उनको किस में आराम आता है, सोने में। संध्या आरती जब कराई जाती है तो उसमें एक भजन गाया जाता है, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या। लेकिन जीव सृष्टि क्या सोचती है कि ये तो आफत है, प्रतिदिन चर्चा में बैठना पड़ता है 9 से 12 बजे तक, और जैसे ही 12 बजे सब जीव सृष्टि व्याकुल हो जाते हैं कि कब चर्चा खत्म हो, कब चर्चा खत्म हो। ब्रह्म सृष्टि सोचती है कि चर्चा कभी खत्म ना हो। जीव सृष्टि सोचती है कब निद्रा मिले, पट पहर खाए चिकना हेम जवेर सिंगार। जीव सृष्टि को क्या अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनना, हीरे मोती के आभूषणों से सजाना, और सुंदर सुंदर भोजन। हक लज्जताई मोमिनो जिंदुनी करी मुर्दार। ब्रह्म सृष्टियों को क्या चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, अच्छे भोजन नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। उनको आराम किस में है, केवल राज्य के प्रेम में। खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्सरोहन पल पल मासुक देखना यही आहार असगन। ब्रह्म सृष्टियों का आहार क्या है, पल पल मासुक देखना, हर क्षण उनकी अंतर्दृष्टि में राज्य श्यामा जी दिखते रहे, इसको कहते हैं ब्रह्म सृष्टि का आहार। अंगारे अंगीठी भर के, अब जब जाड़े का समय होता है तो अंगीठी में अंगारे भरकर। ल्यावत बिहारी दास, ये बिहारी दास जी की सेवा है। श्री जी अब सज्जा पर पढ़ने जा रहे हैं तो ये भर करके लाते हैं। थाली में अंगारे धर के, और थाल में अंगारे भरकर सारे बिस्तर पर उसको तपाया जाता है। उस समय हीटर का जमाना नहीं था कि हीटर करते हैं और गर्मी हो जाए, उस समय तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता था। फेरत मानक खास, ये मानिक भाई की सेवा है कि श्री जी की सैया के के बिस्तरे पर उसको फेरा जाता है कि ताकि ठंडक ना रह जाए। श्री राज पौड़े पलंग पर, धाम देने उस अपने पलंग पर पौड़ते हैं यानी विश्राम करते हैं। सबको कही प्रणाम, और सबको प्रणाम बोलते हैं। गावन वाली आया, अब देखिए श्री जी लेटे होते हैं तो गाने वाले सुंदर साथ पहुँच जाते हैं अपनी सेवा के लिए। अढ़ाई प्रहर गई जाम, और रात्रि में अढ़ाई पहर बीत गया होता है। और बानी सुनने को, और श्री जी की, और जब श्री जी पढ़ रहे होते हैं तो बाणी सुनने के लिए भी कोई कोई साथ ही बैठा था। कुछ सुंदर साथ आते हैं गाने के लिए, और कुछ आ जाते हैं कि चलो वाणी गाई जा रही है तो हम भी सुने। ये से कार्यक्रम चल रहा है 12 से 3 बजे के बीच का। आप सब सुंदर साथ तो 10 बजे ही सो जाते हैं, ये सुंदर साथ हैं 12 बज चुके हैं, 1 बजे हैं, 1:30 बजे हैं, कोई किसी को नींद नहीं है। सबको क्या तड़फ है, हमारी आत्मा जागृत कैसे हो। और मोमिन भर बंगले, और पूरे बंगले में सुंदर साथ बैठे रहते हैं। कोई बैठे तो कोई सोवत, कोई बैठे बैठे रहता है, सुनी हुई चर्चा को पुनः दोहराता है, और कोई लेट भी लेता है।
मुरलीधर और जयंती दास, मुरलीधर और जयंती काका क्या करते हैं? बैठे चर्चा को ईत और श्री जी के मुखारविंद से सुनी हुई चर्चा को पुनः दोहराते हैं। इत बड़ा मिलावा होता है और सुंदर साथ का बहुत बड़ा समूह इकट्ठा हो जाता है। कभू बानी कभू चर्चाएं, कभी आपस में मिल करके चर्चा करते हैं। कभू किताबें कई तरह, कभी कई तरह की किताबों के ऊपर चर्चा करते हैं। यो आहार रूह खिलाए, इस प्रकार से वो अपनी आत्मा को आहार देते हैं। कभू दस कभू बीस, अब जब सुंदर साथ आपस में चर्चा करते हैं सुनी हुई चर्चा को, कभी दस कभी बीस इस तरह से संख्या होती है। तीस चालीस पचास, तीस चालीस पचास सौ सवा सौ तक की संख्या बैठती है। पाँच हजार कभी नहीं बैठेंगे, पाँच सौ ब्रह्म सृष्टि है उसमें सवा सौ तक की संख्या इकट्ठी होती है। ये चर्चा सो करे, इस चर्चा को कौन करेगा? जो सुनी हुए श्री राज धाम धनी ने जो चर्चा की होती है उस चर्चा को पुनः दोहराते हैं। सुंदर साथ के मन में तड़प है कि जो धाम धनी ने कह दिया उसको हम पुनः अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए अखंड कर लें। जब आप जितने सात्विक होते जाएंगे, ध्यान करेंगे, तो आपका मस्तिष्क इतना तीव्र होता जाएगा ध्यान से कि एक बार जो सुन लेंगे वही कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन यदि आपके मन में तमोगुण की भावना है, आपका हार सात्विक नहीं है, आप ध्यान नहीं करते हैं, तो अभी पढ़ा और तुरंत भूल जाएंगे। इसलिए ये सुंदर साथ है, दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, चितवनी में लगे हुए हैं, श्री जी ने जो कहा उसको हृदयंगम कर रहे हैं। तीन चर्चा को अर्चत, उस चर्चा की अर्चा करते हैं। श्री राज रिझावन काज, क्यों क्यों करते हैं? राज रिझावन काज, अपने धाम धनी को रिझाने के लिए। श्री राज सो बाता करने को, और धाम धनी से बातें करने के लिए। हरकत है मन माह, उनके मन में आनंद है कि हम किसी न किसी रूप से अपने धाम धनी को देखते रहें, उनको रिझाते रहें। श्री राज राज्य होता है, सुंदर साथ के उस परिश्रम को देखकर धाम धनी बहुत आनंदित होते हैं। सुन विवेक इनको मुस्कुराए, उनकी चर्चा को सुनकर श्री जी मुस्कुराते हैं। इत कई भांत बिहार की, इस तरह से सातवें पहर में लीला चलती रहती है। बाता होए विवेक, सब सुंदर साथ अपने बुद्धि से तरह तरह की चर्चा की अर्चा करते हैं। सो मेरी इन जुबा केती कहूं, लालदास जी कहते हैं कि मेरी जीवा में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको यथार्थ रूप से वर्णन में ला सकूं। ना आवे रसना एक, मेरी एक छोटी सी जीवा है, इसकी में सामर्थ्य नहीं है कि उन सुंदर साथ ने जो 12 बजे से 3 बजे तक अपने प्राणेश्वर को रिझाया उसको यथार्थ रूप से वर्णन में ला सकूं। श्री महामति कहे ऐ मोमिनो, श्री महामत जी कहते हैं कि हे साथ जी, ए सातवें प्रहर की बीतक, यह सातवें प्रहर की बीतक है, अब कहो प्रहर आठवां, अब मैं आठवें प्रहर का वर्णन करने जा रहा हूँ, ताकि सुनो सिफत, अब उस आठवें प्रहर का वर्णन सुनिए। देखिए 3 बज गए हैं, 3 बजे तो आप गहरी निद्रा में होते हैं, कुछ सुंदर सा 3 बजे तक भी जग जाते हैं, उनकी आँखों में नींद नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे जगे ही रहिए, 24 घंटे जगेंगे तो आपको रोक हो जाएगा। जबरदस्ती निद्रा को नहीं रोका जाता है, नींद को रोकने के लिए आपको समाधि में उतरना पड़ेगा। कई महात्मा होते हैं कि 6-6 दिन की समाधि लगाए रहते हैं, 6 दिन तक वो उठे ही नहीं होते, नित्य क्रिया के लिए नहीं गए होते हैं, मन उनका एकाग्र रहता है, तो ऐसी अवस्था में वो बैठे रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कोई जबरन रोटी भी खाए भर पेट और जबरदस्ती नींद को रोके तो शरीर में रोग पैदा हो जाएगा। इसके लिए साधना करनी पड़ती है कठोर। जो ध्यान में आपका मन लग गया समाधि में, तो आप कई कई दिन भोजन नहीं करेंगे, कई कई दिन नहीं सोएंगे तो भी चलेगा। अब कहो प्रहर आठवां, अब आठवें प्रहर की लीला का वर्णन सुनिए। 3 बजे से 6 बजे तक श्री राज पौड़े पलंग पर, श्री जी 3 बजे के पश्चात अपने पलंग पर पड़ रहे होते हैं। बानी धाम धनी की, और उस समय भी सुंदर साथ सोचते हैं श्री जी लेटे रहे और हम उनको वाणी सुनाते रहें। गजरत सब ऊपर, श्री जी के मुखारविंद से जो परम धाम की वाणी अवतरित हुई है सुंदर साथ उसको गाते रहते हैं। बारी वाले गावत, जितनी 14 बारियां बनाई गई हैं वो अपने अपने समय पर आकर के गायन किया करती हैं।
फिरती चौकी पर, और फिरती चौकी पर चारों तरफ बैठकर जिनकी आवे सो गावही, जिनके बारी बारी से जिसकी बारी आती है उसका सब वो आकर के वो बारी वाले सुंदर साथ गाते हैं, पुनः चले जाते हैं, फिर दूसरी की पाली आ जाती है। सब तरसते रहते हैं कि हमारी बारी में हम कहीं नींद ना ले लें। सब चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारा नंबर आ जाए और हम धाम धनी कुर जाएं। रसना मीठी कर, और अति मीठे शब्दों से गाते हैं। ए सुनने की ताकत, लेकिन वाणी को सुनने की शक्ति किसके पास होती है? त्रिगुण को ना होए, ब्रह्मा विष्णु शिव के पास भी ये शक्ति नहीं है कि परमधाम की ब्रह्मवाणी को सुन सके। ये किसके लिए आई है? परमधाम की आत्माओं के लिए। और नाम किन के लिए हूँ? इनसे बड़ा कौन है जिसको कहा जाए? इन उपरांत सोए, इनसे ऊपर कोई नहीं है। ए मेहर किन करी, ये वाणी के अवतरित करने की कृपा किसने की है? स्वयं श्री राज जी ने। ए हुई किन ऊपर, किसके ऊपर हुई है? परम धाम के आत्माओं के ऊपर, उनके लिए ही ये वाणी आई है। न कह वाणी माया माहे आवाणी, इंद्रावती जी कहती हैं, लेकिन राज जी कहते हैं कि नहीं, पर साथ माटे कह वाणी, सुंदर साथ की आत्मा को जगाने के लिए वाणी कहनी है। पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर, चरने हैं सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। यदि आज वाणी नहीं होती तो आपको अक्षरातीत की पहचान कौन देता? इसलिए ब्रह्मवाणी का गाना, ब्रह्मवाणी का चिंतन करना, ब्रह्मवाणी का स्वाध्याय करना हमारी आत्म जागृति के लिए अनिवार्य है। ए वाणी इन धाम की, परम धाम की जो यह ब्रह्मवाणी है, ले बैठत निज धाम, इस वाणी को गाएंगे तो आपकी सुरता परम धाम में भ्रमण करेगी। आप हौज कोसर का वर्णन गाइए, पुखराज का वर्णन गाइए, मूल मिलावे का वर्णन गाइए, इन भी साची जागी बताए देवरे जीवन, श्याम समाजी साची चित बैठे चौक वतन, तो ये गाते ही आपका ध्यान मूल मिलावे की तरफ केंद्रित होने लगता है। सबको सुख उपजे, और इस वाणी को गाने से सबके हृदय में सुख उत्पन्न होता है। होए पूर्ण मरुन अर्थ काम, और सबके हृदय की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। नजर ना बुध जीव की, और इस जीव की, ये जीव जो निराकार से पैदा हुआ है, इस जीव की भी नजर अखंड में पहुंचती है। सो सपने में रल जाए, वह सपने में ही रल जाती है। नींद उड़े उड़त है, क्योंकि नींद के उड़ने के बाद समाप्त हो जाता है। शुद्ध ना रहवे ताए, ये जीव सृष्टि को पता नहीं होता कि निराकार के परे क्या है। जहाँ जबराइल रहा, जबराइल जब मोहम्मद साहब को मेराज होता है तो जबराइल ससुरूप में जाकर के रुक जाता है। चल सक्या ना आगे, ससुरूप से आगे परम धाम के अद्वैत वहदत में एकत्व में जबराइल को जाने की शक्ति नहीं है। ए बाने की बरकतें, और परम धाम की यह ब्रह्मवाणी जमुना सातो घाट पहुँचे, जो सच्चे हृदय से राज्य को ध्यान में लाएगा, वाणी को गाएगा, मन को एकाग्र करके ध्यान करेगा, उसकी सुरता जमुना जी के उस परे पर सात घाटों में केले वही अनार अमृत जाम्बू नारंगी वट में विहार करेगी। अन्यथा जिस जबराइल के द्वारा इस दुनिया में अखंड का संदेश आता है, वह जबराइल भी सीधे मना कर देता है मोहम्मद साहब से कि हुजूर यदि मैं जाऊं तो मेरे पल जलते हैं, यानी जित चरण से क्या जबराइल कहे मेरे पर जलत, नूर तजल्ला की तजल्ली ये ज्योत से है न सकत। परम धाम में इतना इश्क है, इतना अद्वैत वहदत है कि जबराइल कहता है कि मेरी जाने की वहाँ शक्ति नहीं है। इन जुबा के सुर सुनते, जब ब्रह्मवाणी का गायन होता है तो उसको सुनकर सब ठौर आवे नजर, इस ब्रह्मवाणी की जहाँ तक आवाज पहुँचती है वहाँ तक एक अलौकिक दिव्यता का संचार होता है। रूह आत्म पहुँचते, और हमारी आत्मा की दृष्टि वहाँ पहुँचती है। ताए हो जाते फजर, जब हमारी आत्मा की दृष्टि परम धाम पहुँचेगी तो उसके लिए माया में निद्रा नहीं रह जाती, अंधकार नहीं रह जाता, यानी ज्ञान का उजाला फैल जाता है। यदि आप अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं तो आपको परम धाम की शोभा में स्वयं को डुबोना पड़ेगा। इन वाणी की बरकतें, इस वाणी की बरकत क्या है, क्या महिमा है? कछु न रहवे सक,
किसी भी तरह का शक संशय नहीं रह जाता। संशय आत्मा विनश्यत, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं। लेकिन यदि आप वाणी पढ़ेंगे तो कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। रुहे राजे रहे रात दिन, और रुहे राजी रहे रात दिन, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि राज्य के प्रेम में हमेशा आनंदित रहती है। जाए बैठे कदमों हक, और कहाँ पहुँचती है, कदमों हक उसकी सुरता परम धाम के मूल मिलाव में विचरण करने लगती है। इन वाणी की बरकत, इस वाणी की महिमा क्या है, मावे इन्ना जिमी आसमान, इसकी इतनी महिमा है कि धरती और आकाश में नहीं समा सकती। कोई हेम गले अग्नि जले, भैरव करवत ले, खसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे दे। अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े काट दे, और चाहे कि तारतम वाणी जैसा कोई ग्रंथ कोई ज्ञान मिल जाए तो इस दुनिया में संभव नहीं है। स्वयं अक्षरातीत ने परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए ये वाणी कही है। ये वाणी क्या है, रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। अक्षरातीत के हृदय से जो बहता हुआ रस है वही वाणी के रूप में इस संसार में प्रकट हुआ। सुन छोड़ बका पहुँचे, और सुन निराकार को छोड़कर अखंड परम धाम में सुरता विचरण करती है। सो मोमिन सुन के कान, और इसको कौन सुनता है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। इन वाणी की बरकतें, इस ब्रह्मवाणी की बरकत से सब दफे होत बलाए, सब दफे होत बलाए। आजकल या लंबे समय से देखा जाए गाँव में विशेषकर बहनों में भूत प्रेत का बहुत झंझट रहता है। जरा सी बात होती है कहते हैं कि इसको ऊपरी लग गई है, भूत लग गया है, जिन लग गया है। जो वाणी का चिंतन करेगा, वाणी का पाठ करेगा, सच्चे हृदय से राज जी को याद करेगा, उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। दफे होत बलाए, बलाए यानी संकट। आप सच्चे हृदय से राज जी की वाणी का पाठ कीजिए, सच्चे हृदय से चितवनी कीजिए, तो आपकी आत्मा में इतना तेज आ जाएगा आपके हृदय में कि कोई भी संकट आपके पास नहीं आएगा। कबीर जी ने बहुत ऊंची बात कही है एक, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जब संकट आता है तो हर कोई परमात्मा को याद करने लगता है, लेकिन कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे दुख का है कौन। सुख रहने पर भी उस परमात्मा से प्रेम कीजिए तो कभी भी दुख नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है, जरा सा सुख आया लोग परमात्मा को भुला देते हैं। सुंदर साथ को ये भूल नहीं करनी है, चाहे आपको सारी दुनिया का राजा बना दिया जाए, फिर भी रात को सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद चितवनी अवश्य कीजिए। कुछ समय के लिए शरीर को शांत करके, मन को शांत कर अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसाइए। परिणाम क्या होगा, आपका सारा जीवन सुखी रहेगा, और जब शरीर छूटेगा तो सीधे आपको परमधाम नजर आएगा। युगल स्वरूप के नख से सिख तक की सुबह नजर आएगी, आपको संसार नजर नहीं आएगा उस समय। सदा शैतान कांपत, और इस ब्रह्मवाणी से शैतान हमेशा कांपता रहता है। मीने बैठ न सके ताए, और सुंदर साथ के हृदय में उसको बैठने का अवसर ही नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप वाणी ही नहीं पढ़ेंगे, चितवनी नहीं करेंगे, तो माया आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। कछु आँख मिली के ना मिली, सुंदर साथ की स्थिति क्या है, आँख मिली कि ना मिली। श्री जी भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, कभी आँख बंद करके सोचते रहते हैं, कभी झपकी लग गई तो लग गई, अन्यथा सुंदर साथ के जो मुख से जो हमेशा चर्चा वाणी हो रही होती है, आपस में चर्चा को दोहराते रहते हैं, उसको श्री जी सुनते रहते हैं। फिर सुनता है कान, कभी कभी श्री जी की आँख लग जाती है झपकी, एक दो दिन की बात नहीं है, 10 वर्षों तक पन्ना जी में ये लीला होती है, और श्री जी की यही दिनचर्या है। 12 बजे तक तो चर्चा ही चलती है, 1-1.5 बजे कभी आँख झपकी, 2-3 बजे के लगभग थोड़ी देर के लिए, नहीं तो पूरी सुंदर साथ वाणी गाते रहते हैं धीरे स्वरों में, श्री जी उसको सुनते रहते हैं। कोई आगू पीछे हरफ कहे, और श्री जो सुंदर साथ चर्चा को दोहरा रहा होता है, आगे पीछे कोई शब्द कह देता है तो श्री जी उसको टोक देते हैं कि तुम गलत कह रहे हो। कहे मोमिनों को सुभान, स्वयं धामधनी कहते हैं कि तुम चर्चा सुनते समय कहाँ थे, तुम्हारा मन कहाँ एकाग्र हो गया था। अब सुंदर साथ चुपचाप सुनता रहता है, कहता है कि धामधनी उस समय मैं ध्यान से नहीं सुन पाया था।
यूं करते इन भांत से इस प्रकार करते करते बाकी रात रही घड़ी चार, चार घड़ी रात्रि बाकी रह जाती है। चार घड़ी रात्रि यानी लगभग एक घंटा 4:30 बजे का समय हो जाता है। आया समय विरत का, उसमें विरत का समय होता है। गिरो उठने को करे विचार, और सुंदर साथ उठने का विचार करता है। देखिए 4:30 बजे परम धाम की चर्चने चलाई जाती है। विरत यानी जैसे वृत्त में एक केंद्र नाभिक होता है, केंद्र होता है, उसके चारों तरफ घुमा जाता है, उसी तरह से इसको कहते हैं वृत्त। वृत्त यानी परम धाम में 25 पक्षों में ज्ञान दृष्टि से घूमना चर्चनी, और अंतर्दृष्टि से ध्यान के द्वारा घूमना चित्वनी। चर्चनी और चित्वनी परम धाम से संबंधित है। कोई नींद करत है, उस समय कोई सुंदर साथ सो रहा होता है, कोई सुनने चाहे विरत, और कोई उस समय परम धाम की वृत्त सुनना चाहता है। यानी कुछ सुंदर साथ परम धाम का वर्णन सुनाते हैं और कुछ सुंदर साथ सुनते हैं। उस युग में आजकल की तरह इतनी कागज की व्यवस्था नहीं थी कि सबको वृत्त लिख लिख करके दे दिया जाए। एक कह रहा है 150-200 सुन लेते हैं, फिर भी सुनिए उस समय सुंदर साथ में कितनी दृढ़ता है। आज तो सबके पास घर घर साहित्य है, लेकिन सबका एक ही उत्तर क्या करें, मन नहीं लगता। कभी कह देंगे कि समय ही नहीं है। इतने सुंदर सुंदर नक्शे बनाए गए, प्रोजेक्टर से भी सिखाए जाते हैं, सबके घर वाणी की टीका भी पहुंच जाती है, लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं, सुनने के लिए समय नहीं, समझने के लिए, करने के लिए समय नहीं। तो आखिर ये समय कब मिलेगा? पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। शरीर तो पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब छूट जाए, इसलिए अब कब करेंगे। कल कल करते तो सारी उम्र गुजर जाएगी, इसलिए कल नहीं आज। हर सुंदर साथ को दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज मैं प्रण करता हूँ कि हर दिन मैं चित्वनी करूँगा, हर दिन किसी न किसी रूप में वाणी के किसी अंश को पढ़ूंगा। ज्ञान और प्रेम हमारी आत्मा का हार है। जब आप तीनों वक्त भोजन करते हैं, जलपान देते हैं इस मिट्टी के पुतले को, नहलाते धुलाते हैं, शरीर को सुंदर बनाते हैं, तो अपनी आत्मा का श्रृंगार क्यों नहीं करते। आत्मा का श्रृंगार होगा वाणी के चिंतन से और परमधाम की चितवनी से। मंगल आरती के समय, अब उस समय 4:30 बजे मंगल आरती होती है, यानी मूल स्वरूप का भाव लेकर सुंदर साथ आरती करते हैं। साथ निष्ठा बंध आवे ईत, उस समय निष्ठा बद्ध नियम के से बते हुए सुंदर साथ आते हैं। आरती सब मिलके, और सब सुंदर साथ आरती करके फिर बैठ के सुने विरत, और पुनः वृत सुनने के लिए बैठ जाते हैं। वृंदावन के घर में, सबसे पहले वृंदावन के घर पर कोई दिन कही विरत, वृत कहने की परंपरा शुरू होती है। साथ सब उठ बैठ के, और सब सुंदर साथ वहाँ बैठकर कष्ट जो करते ईत, सुंदर साथ कष्ट दे रहे हैं किसको, अपने शरीर को। 4:30 बजे का समय है, 1:30 बजे के लगभग सोए हैं और 4:30 बजे उठ गए। आप सोचिए कोई 2 घंटा सोता है, कोई 2.5 घंटे, कोई 3 घंटे। श्री जी कभी आधे 1 घंटे के लिए झपके श्री जी की आंखों में आ गई तो आ गई, नहीं तो कोई जा सकता। यहाँ के तन की मर्यादा को पूरा करते हैं। हाँ, जिस अवस्था में श्री जी का तन है उस अवस्था में प्रकृति के नियमों को उसमें लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रकृति की मर्यादा निभाई जाती है। सुंदर साथ के सामने श्री जी पलंग पर पौड़ते हैं, शयन करते हैं केवल एक लीला रूप में, अन्यथा अक्षरातीत को इन नियमों में नहीं बांधा जा सकता। 11 ही जोलो रही, 11 ही जोलो रही, जब तक 11वीं सदी रही। कई बार मैंने इस चौपाई को कहा है, 1751 तक सुंदर साथ में चितवनी के लिए तड़प रही। जब तक श्री जी के तन से लीला चलती रही बाह्य रूप में, तब तक चर्चा चितवनी का जोर रहा। उसके पश्चात फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंगठरे, उसके बाद सब ठंडे हो गए। जो ब्रह्म सृष्टि थी अधिकतर ने तन छोड़ दिया, ईश्वरी सृष्टि ज्ञान और बंदगी में डूब गई, और जीव सृष्टि को तो चितवनी से लेना देना नहीं। जीव सृष्टि बहुत करती है तो नक्शे याद कर लेगी, चर्चने याद कर लेगी, लेकिन जो क्रियात्मक है आंखें बंद करके परम धाम में घूमना, ये ब्रह्म सृष्टि ही करती है। चर्चने को रट लेना कोई कठिन नहीं है, जीव सृष्टि आसानी से कर लेती है।
बाहर के जो भी कार्य हैं, सेवा पूजा परिक्रमा गाना बजाना या चर्चने कराना करना, चर्चने को याद कर लेना, ये सरल कार्य है, लेकिन अंतर में आंखें बंद करके ध्यान करना ये बहुत कठिन काम होता है। कठोपनिषद में एक जगह कथन आया है, परांच खान व्यतृणत संभो तस्मात परांग पश्यत न अंतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम आवृत चक्षु अमृतम इच्छन। परमात्मा ने पांच इंद्रियां बनाई है जो बाहर की तरफ देखती है। कोई धैर्यशाली होता है, कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम आवृत चक्षु अमृतम इच्छन, अमृत की इच्छा करने वाला कोई धैर्यशाली होता है जो अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा में देखता है। आप बाहर की आंखों से बाहर के संसार को सुनेंगे, कानों से बाहर के ध्वनि सुनोगे, लेकिन यदि आपने ध्यान लगा लिया तो न कान का विषय रहा न आंख का विषय रहा, आपकी आत्मा अपनी अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखेगी। इसलिए चितवनी के समान कुछ भी नहीं है। जब आप शुद्ध हृदय से सच्चे हृदय से बैठ जाइए, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई दुनिया को दिखाना नहीं, संसार सो रहा है और आप एकांत में अपने प्राणेश को अपने प्राणेश्वर को रिझा रहे हैं। जो कोई विरत कहे और जो सुंदर सात विरत कहता है करे सेवा ताए, अन्य सुंदर सात उसकी सेवा करते हैं, आवे पिछली रात को और रात्रि के पिछले पहर में यही हेत दिल ल्याए और आकर के उनकी सेवा करते हैं। चौथी निरत की वर्णन होता है और जो सुंदर सात वृत करते हैं पूरे रंग महल का वर्णन सुनाते हैं, मूल मिलावे का वर्णन, दूसरी भूमिका का वर्णन करते हैं, तीसरी भूमि में पौड़साल का, चौथी भूमि में चार चौरस हवेलियों की चौथी जो हवेली है उसमें नृत्य की लीला होती है उसका वर्णन किया जाता है। फिर छठी सुखपाल की, पांचवी भूमि में शयन की लीला होती है, छठवीं में सुखपाल की, सातवीं में हिंडोल की, सातवीं आठवीं हिंडोल की, नौवीं में सिंहासन की, नौवीं में दूरदर्शिका होती है, दूर बैठकर परम धाम के दृश्यों को देखा जाता है। सातों घाट फेर के और किस पुनः यमुना जी के किनारे सात घाट के लिवई अनार अमृत जाम्बू नारंगी वट कैसे आए हैं, इन सबका वर्णन चर्चनी में बताया जाता है। इन आगे मैदान है रंग महल के पश्चिम दिशा में, किस तरह से पश्चिम के चौगान में जो मैदान आया है। फिर फूलबाग करे नजर, फिर फूलबाग नूरबाग का वर्णन होता है, सौ बाग तले सौ ऊपर, नीचे सौ बाग है नूर के और उसके ऊपर फूलबाग है। शोभा सुनते हो जाए फजर, आप इस दुनिया में भी फूलों की घाटी में चले जाइए तो वहाँ की सुगंध से आप बेहोश हो सकते हैं, वहाँ के सौंदर्य को देखकर आप मस्तिष्क को संतुलित नहीं कर पाएंगे। इस माया की दुनिया में यदि ऐसा है तो परम धाम के नूरमयी फूलों को देखकर कौन ऐसा कठोर पत्थर हृदय होगा जो पिघल नहीं सकता होगा। ये तो चर्चनी में एक दिशा दर्शन कराया जाता है, आप अपनी आंखें बंद करके परम धाम की शोभा में डूब जाइए तो ये संसार तो फीका ही लगेगा। आप देखिए एक हीरे की बनावट में आया है पूरा हौज कोसर, पुखराज पहाड़ के नग में आया है पुखराज, माणिक पहाड़ के नग में आया है माणिक पहाड़, रंग महल में सभी शोभा है और आप किस तरह से पुखराज से यमुना जी निकलती हैं मूल कुंड से, किस तरह से आगे ढपी और खुली होकर के दक्षिण दिशा में मुड़ जाती हैं, पुनः पश्चिम दिशा में मुड़कर हौज कोसर में गिरती हैं, किस तरह से सातों घाट आए हैं। जब आप ये सारी शोभा को देखेंगे तो इस दुनिया में देखने के लिए क्या बाकी रह जाएगा। इस दुनिया में आप अपने घर को देखते हैं, खेत खलिहान को देखते हैं, परिवार के सदस्यों को देखते हैं, इसी में मगन होते होते उम्र गुजर जाती है, लेकिन जब आप परम धाम की अलौकिक शोभा को देखेंगे तो ये सारा संसार सूना लगेगा, ये लगेगा कि ये तो श्मशान घाट में हम रह रहे हैं। कुंजवन इन बीच में, किस तरह से कुंजवन की शोभा आई है, ए वृत होत वर्णन, ये वृत्त में वर्णन होता है किस तरह से कुंज निकुंज आए हैं गोल और चौरस शोभा लेकर। दिन रहा पहर पिछला, और जब पिछला दिन बाकी, जब दिन रहने में थोड़ा सा समय उगने में समय बाकी रहता है, श्री राज श्यामा जी उठ बैठे सयान, उस समय
अब ये प्रसंग चल रहा है कि जब 3:30 बजे जब दिन पिछला बाकी रहता है उस समय राज्जी श्यामा जी तीसरी भूमिका की पड़साल पर से उठ बैठते हैं 3 बजे। कौन घाट आज जाएंगे और पूछते हैं कि बताओ आज कौन से घाट चलना है। पूछ के पहुँचे तीत और पूछ करके वहाँ जाते हैं 3 बजे सुंदर साथ के साथ वहाँ प्रस्थान करते हैं वनों में लीला करने के लिए। एक प्रहर विलास किया वहाँ एक प्रहर तक विलास करते हैं। द्वय प्रहर विहरत और उसके पश्चात नृत्य की लीला करते हैं। आरोगन पौड़े भूमुति श्री तीसरी भूमिका में श्री जी आरोगते हैं और वहाँ तीसरी भूमिका की पड़साल में पौड़ते हैं। खेले चौक में साथ और उसके पश्चात सब सुंदर साथ आसपास के चौकों में खेलने के लिए चला जाता है। श्री राजे आज चित धरी और उसके पश्चात राजे ने अपने मन में ले लिया खेल देखाओ पकड़ हाथ कि अब 4:30 बजे कहीं नहीं जाना है, पाठ घाट जाना था उस दिन, लेकिन उस दिन राजे ने ले लिया कि अब माया में सबको भेजना है, माया का खेल दिखाना है। फिर इश्क रब्द खिलवत की और उसके पश्चात इश्क रब्द हुआ, खिलवत की बातें हुई। मजकुर करी मोमिन अब जैसे ही सब आए तो सब ने कहा कि धामधनी हमें माया का खेल देखना है। राजी ने अपने मन में ही ले लिया था और कारण से ये सब की सुरता को इस माया के संसार में भेजा गया ताकि माया के खेल देख लें और अक्षर की आत्मा को प्रेम की लीला देखने को मिले। आए तले विराजत और सब सुंदर साथ आकर धनी के चरणों में बैठ जाते हैं। होए आप में चेतन और पहले से चैतन्य हो गए कि भला देखते हैं माया हमारा क्या कर लेती है। 11 बरस 52 दिन और 11 बरस 52 दिन की लीला करने के पश्चात रास में जाते हैं। रास से पुनः इस जागने के ब्रह्मांड में आए हैं और जागने के ब्रह्मांड में आपको परम धाम की ब्रह्मवाणी सुनाकर जगाया जा रहा है कि आप इस माया के संसार के नहीं हो, आप परम धाम से आए हो। जगाने वाले कौन हैं? स्वयं अक्षरा तीर्थ धाम धनी जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सबकी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। ए संक्षेप विरक्त का ये विरक्त का वर्णन सुना आपने किस तरह से परम धाम के 25 पक्षों का, हौज कोसर के मध्य में आए हुए टापू महल का, 8 सागरों के मध्य में किस तरह से टापू महल आए हैं, कैसे बड़ी रंग की हवेली आई हैं, छोटी चारहार हवेली आई है, किस तरह से सारी शोभा आई है, बट पीपल की चौकी है, पुखराज पहाड़ है, लाल चबूतरा है, ये जितना है बड़ो वन मधुवन महाबन ये सारी शोभा का वर्णन वृत्त में किया जाता है और सवेरे सवेरे सुंदर साथ सुनते हैं उसको याद कर लेते हैं। आप देखेंगे चर्चा चितवनी चर्चिनी सेवा यही सब सुंदर साथ के 64 पहर 64 घड़ी अपने धाम धनी को रिझाना, सुंदर साथ को विश्रा। यदि हमें जागने का प्रयास करना है तो आज भी वही ज्योति फैलानी पड़ेगी। हर मंदिर से हर आश्रम से केवल वाणी की ज्योति प्रकाशित हो। सब सुंदर साथ पास बैठकर किसी की निंदा करने की अपेक्षा चितवनी में लगे, सेवा में लगे तो उनकी आत्मा जागृत होगी। विस्तारित बहुत है इस 8वें पहर में जो भी लीला हुई उसका विस्तार तो बहुत है। आप देखते हैं सुंदर साथ कितना कष्ट झेल रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है। चितवनी में 1:30 बजे 2 बजे तक जगे हुए हैं किस लिए? अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए। और यदि हम रात को खूब भर पेट ठूंस कर खा लें, ऊपर से एक गिलास खोलता हुआ दूध भी पी लें भैंस का, कहाँ निद्रा चलेगी। लहसुन प्याज खूब गर्म गर्म मसाले के पकौड़े खा लेते हैं, लाल मिर्चें खा लेते हैं और कहते हैं कि हमको राज्य नहीं दिखते, कहाँ से दिखेंगे। कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। इन इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही की काया, इनसे क्यों देखूँ मैं साहब यही भाई आड़ी माया। हम इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, ये इंद्रियां कभी तृप्त थोड़े हो पाएंगी। यदि मुझे मालूम है ज्ञानपीठ में प्याज खाना अपराध माना जाता है, मिर्च भी खाना अपराध माना जाता है, अचार भी अपराध माना जाता है, फिर भी सुंदर साथ कहीं ना कहीं लुका छिपी करके अपनी जीवा को तृप्त करते हैं। ये बेचारी जीवा कितनी छोटी सी है, गंदा बोलेगी और जूता किस पर खाना पड़ता है, सिर बेचारे सिर पर जूते पड़ते हैं, गलत शब्द बोलकर ये अंदर घुस छिप जाती है और भोगना
किसको पड़ता है, बेचारे सिर को। वैसे ही सारे रसों का यह रसपान करती है, छोटी सी जिह्वा है, और इस छोटी सी जिह्वा ने 6 फुट के आदमी को कितना पागल बना रखा है, जिस तमाकू को गधा भी नहीं खाया, कोई भी जानवर तमाकू को नहीं चरता, उसको मनुष्य अपनी जिह्वा के नीचे, दांतों के नीचे रखकर खुश होता है, उसके बिना रहा नहीं जाता, सबके आगे हाथ फैला लेता है कि थोड़ा सा चुटकी भर मुझे दे दो, ये जिह्वा का कमाल है। इसलिए यदि अक्षरातीत के प्रेम की सुगंध पाना चाहते हैं तो अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा बस में करना पड़ेगा। आप इंद्रियों के सुख को छोड़ देंगे तो इंद्रियों के सुख भोगने से 14 गुना सुख आपको ज्यादा मिलेगा। व्यास जी ने अपने योग दर्शन के भाष्य में लिखा है, यत किंचित काम सुखे लोके च दिव्यम महत तृष्णा क्षयात नर अर्थे षोडशी कलाम। यानी किसी भी विषय के भोग से इतना सुख नहीं मिलता है जितना उसके परित्याग से मिलता है। आपको तमाकू के खाने में आनंद आता है तो छोड़ दीजिए, परिणाम क्या होगा, आपको 16 गुना उसको आनंद ज़्यादा मिलेगा। आपको प्याज खाने में कोई आनंद नहीं है, आप जीवा पर प्याज रख लीजिए, कोई आनंद नहीं। लाल मिर्चा पीस करके आप जीवा पर रख लीजिए, केवल अचार ही खिलाइए, आप कई अचार रख लीजिए जीवा पर रखे रहिए, पूछिए क्या आनंद मिल रहा है, आपको पता चल जाएगा इसमें कोई आनंद नहीं। आनंद बाहर नहीं है, आनंद अंदर है। अपनी आत्मा में अपने प्राणेश्वर को देखिए, अनंत आनंद मिलेगा। बीसियों में भागते भागते शरीर बुढ़ा हो जाएगा, मन अशांत हो जाएगा, लेकिन कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यदि शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो आंखें बंद करके राजी श्यामा जी की शोभा को बसाइए, इसी में जीवन का कल्याण है। ए वीरत श्री राज सुनत है, सुंदर साथ उसमें चर्चनी दोहरा रहा होता है और श्री जी लेटे लेटे सुनते रहते हैं। तब होत अरुण उदय, अब उधर लालिमा छा जाती है आकाश में, सब सेवा में सन्मुख, और उस समय सुंदर साथ सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब जो है पहला प्रहर शुरू होने वाला है दिन का, ये 8वां प्रहर बीतने जा रहा है, 6 बजे का समय होने वाला होता है। 4:30 बजे श्री जी की आरती करके सुंदर साथ चर्चनी दोहराते हैं। आप सोचिए एक एक कार्यक्रम के लिए समय बधा हुआ है, वैसे हम भी अपने जीवन को नियमित बनाएं तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। हुआ प्रातः को समय, अब प्रातः काल का समय हो जाता है। श्री महामति कहे ऐ मोमिनो, श्री महामति जी कहते हैं कि हे साची, ए 8 प्रहर की बीतक, आपने 8 प्रहर की लीला सुनी, आपने देखा स्वयं अक्षरातीत जिस तन में बैठे हुए हैं वो तन 6-6 घंटे की निद्रा में नहीं है। उस तन के लिए कोई आजकल की तरह जैसे कि बड़ी बड़ी हस्तियों की सजावट के कमरों की सजावट होती है, चंदन का पलंग होता है, बड़ी बड़ी सजावट उस युग में भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्वयं अक्षरातीत उस सैया पर पौड़ते भर हैं। अवश्य सुंदर साथ प्रेम पूर्वक उस सैया को तैयार करते हैं, लेकिन श्री जी लेटे लेटे सब सुंदर साथ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि कौन सुंदर साथ चर्चनी दोहरा रहा है, कौन सुंदर साथ मेरी कही हुई चर्चा को दोहरा रहा है और अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर रहा है। अब स्वरूप साथ को देते हैं, अब स्वरूप साथ को देते हैं, यानी अब सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान होते हैं। सो कहो शोभा हाक, अब स्वरूप साथ को देना यानी सबके धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि का विराजमान हो जाना, ये है स्वरूप साथ को देना। और ये कब होगा, जब सब सुंदर साथ अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा को बसाएगा। ये आपने सुना 8 प्रहर की लीला का वर्णन, हमारे लिए प्रेरणादायी है कि हम भी 8 प्रहर उठते बैठते सुपन सुबह जागृत दम न छोड़े मासुक को जाकी असल हक निस्बत। हम उठते बैठते केवल राज्य की बातें करें, हमारे हृदय में राज्य के सिवा संसार ना बसता हो, जब हम चले फिरें तो मन में